चलिए जी, बम बम बोले जय सियाराम। एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ आपको ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। सर। चलिए सर, कहीं से भी ना, आप कहीं से भी इसको ले लीजिएगा। चलिए मैं यहां से लिखता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक डाउन मूव आया था, ठीक है? जब ऐसे मैंने रेंडमली उठा लिया, ठीक है? एक डाउन मूव आया था। कभी भी अगर आप ये देखते हैं ना, अंजलि एक बार बोल। हाँ अंजलि, मैं अंजलि तो मैं ना कोहोस्ट बना रहा हूँ, ठीक ओके सर। है? अभी कोई बोलेगा तो आप थोड़ा देख लेना। ओके जी, मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जब तक एक उसमें चलती है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो साफ हो जाएगा। ओके ठीक है जी, अब आप यहां से देखिए कि मार्केट जब भी यहाँ शेषनाग जी के ऊपर आई और जीएसएलवी बनने चालू हो गए, राइट? ये जीएसएलवी बना है, ये भी जीएसएलवी बना है। तो जीएसएलवी का मतलब अभी तक आप सबको समझ में आ गया क्या होता है? ओके, अच्छा वो वाला गेम खेलना है क्या, डायरी वाला? क्योंकि तो मैं कल पोस्ट करने वाला हूँ। हाँ या ना बता दो। सर, खेल सकते हैं तेरे को थोड़ी खेलना है, बाकी लोग। बाकी के साइड से बोला है ना। ठीक अच्छा लीडर हो गई है सबकी, यूनियन लीडर। को होस्ट लीडर। चलिए भाई, इसका डायरी का गेम यही होता है कि जो सही जवाब देगा वो मुझे अपनों डीएम करना। कल लास्ट वीक करना था मेरे को, वो डायरी भेजनी थी, नहीं भेज पाया, तो अभी भेजूंगा, ठीक है? तो और रूल सिंपल सा है, जिसको भी जवाब देने की इच्छा होगी पहले अपना हैंड रेस करेगा, मैं उसका नाम लूंगा, उसी को जवाब देना। बीच में जवाब देगा तो कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, यहां से देखिए, मैं एक चीज जो वो कर रहा हूँ, जब नीचे से ऊपर जब मार्केट जाना शुरू करती है ना, और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वो आया, जीएसएलवी आया। सबको पता है आप जीएसएलवी क्या है? कोई है ऐसा बंदा जिसको जीएसएलवी नहीं पता? सबको ही पता होना चाहिए अगर आप ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हो। जो एक बार जीएसएलवी आया तो आप ये देखिए कि कब तक आप इसके अंदर, ये डे में उन्होंने लगा रखा है चार्ट, कब तक इसमें बैठ सकते थे? कोई भी ऐसा इंडिकेशन है जो ये बता रहा है कि जो बाइंग है वो स्ट्रांग हुई है? यहां से यहां तक कोई भी जीएसएलवी बाय साइड का नहीं है। यहाँ पे जीएसएलवी बाय साइड का आता है, राइट? पहली बार आप यही सोचिए कि अगर आप चाहे स्विंग में हैं और सेम चीज काम करेगी आपको 5 मिनट्स में भी, तो कभी भी आप तो इसके अंदर है ना, तो ये आपको बहुत अच्छा देता है। अभी जब यहाँ पे जीएसएलवी आया तो क्या हुआ है कि उसके बाद डाउन कैंडल बनी है। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर। सर सर 1 सेकेंड सर, अभी आप बोल रहे हो कि बाय साइड का जीएसएल भी नहीं आया कोई भी, नहीं या नहीं सेल सेल साइड का साइड नहीं आया? हाँ का नहीं, एक बार बाय का शुरू हुआ। सेल का नहीं आया ना कोई भी तब तक। हाँ, तो बाय का शुरू हुआ तो क्योंकि वो मोमेंटम ही ऐसा चल रहा है कि सेल का कोई भी नहीं आया। अब जैस जब कभी भी सेल का आता है, जैसे यहाँ पे सेल का आया, बट क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? सेल करने के लिए मेरे को कहाँ ढूंढना पड़ेगा? या तो शेषनाग जी के ऊपर होना चाहिए या शेषनाग जी के नीचे होना चाहिए। दैट इज आवर बाय कंडीशन, राइट? अक्रॉस योर ब्रह्मास्त्र, अक्रॉस एवरीथिंग। तो ये वाला तो मेरे को सेल सेलिंग का आया है, बट इट इज नॉट अ सेल कॉल, इग्नोर। सेम चीज उसको भी मैं बोलूंगा। लेकिन कभी भी अगर एक दिन सेलिंग आती है, बड़ी हुई सेलिंग आती है, और ना एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट डाला है यूट्यूब के ऊपर ना, कि ब्रह्मास्त्र जैसी कोई चीज नहीं होती, मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की चीज होती है। उससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मार्केट को समझना ही बहुत बड़ी बात है। चाहे ब्रह्मास्त्र से समझे, चाहे प्राइस एक्शन से समझे, चाहे ऑर्डर फ्लो से समझे, मार्केट में चल क्या रहा है। ओके जी, यहाँ पे समझाने की कोशिश करो, कोई भी अगर बाय साइड का जीएसएलवी बनता है ना, तो एक डाउन मूवमेंट तो आता ही है। ये बना तो भी डाउन मूवमेंट तो आया ही है, क्योंकि जीएसएलवी एस जो है वो ये ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। अभी हमें ये देखना है कि या तो वो सेलर्स इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे कि बाजार को पूरे को नीचे ले जाएंगे। अगर इतने ज्यादा हावी नहीं होंगे तो भी आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए, अगर आपको यहाँ पे त्रिशूल ये भी नहीं दिख रहा है, शेषनाग जी भी नहीं दिख रहे, तो
तो कोई भी एक जीएसएलवी सेल कैंडल अगर आती है तो उसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हो उसका टॉप का एक एसएल रख के, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि ये कम से कम वहां पे होना चाहिए, अगर शेषनाग के नीचे है कॉन्फिडेंस भर जाता है बंदे के अंदर, कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। अगर नहीं होता है, जैसे ये वाला आ गया ऊपर, इसमें भी देखो है तो सेलिंग का ही जीएसएलवी, बट कितना बड़ा रिजेक्शन है ना, तो इसमें भी अगर आप लगाते तो भी मेरे ख्याल से आपको नुकसान नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं इसका एक टॉप का ये डालू तो मेरे ख्याल से इसको टच करके फिर वापस नीचे गया। कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि एक जो जीएसएलवी एस होता है और जीएसएलवी बी होता है, मार्केट दिखाता है आपको कि वो क्या करना चाहता है, ओके। और ब्रह्मास्त्र तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना चीजें कैसे चल रही है। अब आप ये वाला देखिए, चलिए लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो अच्छी बात है। मैं नहीं लगाता क्योंकि शेषनाग जी के ऊपर है, ट्रेड नहीं आ रहा। इस वाली रेड कैंडल को देखिए, ओके, इसके ऊपर और नीचे एक लाइन डाल दीजिए, ओके। इसके ऊपर और नीचे लाइन डालने के बाद जब इसको ब्रेकआउट किया है, ओके, इसको क्या बोलेंगे? हैंड रेस करके कोई बताइए मेरे को। चलिए, इजी इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। अरुणा मैम बताइए क्या ये? सर ये मदर कैंडल है और सभी इनसाइड कैंडल है, वो क्रॉस करके जा रहा है ऊपर। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये तो हम सबको पता ही है, दिस इज वेरी बेसिक प्राइस एक्शन। उसके बाद जैसे ही उसको तोड़ा है तो आप ये देखिए तोड़ा कैसे है, एक जीएसएलवी बी ने उसको तोड़ा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके टॉप पे आप बाय कीजिए और लेके जाइए 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपने देखा है तो ये कोई भी जीएसएलवी बी अब तक नहीं बनाया ना, यहाँ तक आया फिर यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे एक जीएसएलवी बी बनाया, और बी भी ऐसा बनाया जिसको देख के मैं डर गया, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है जो बी की तरह बना है, ठीक है। सेम चीज मैं आपको क्या बोलता हूँ, या तो उसके ऊपर का आप एसएल रख के नीचे सेल कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट इससे ज्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। जैसे ही जीएसएलवी बी बनता है, देखिए क्या हो जाता है बाजार में, ऊपर नीचे मार्क कर लीजिए, अच्छा खासा नीचे गया ना, कहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक नीचे गया, 1:2, 1:3 मिला आराम से, ओके। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, ये पहली कैंडल है जो शेषनाग जी के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, जो शेषनाग जी के बिना करते हैं थोड़ा सा डूबेगा, थोड़ा नहीं ज्यादा डूबेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ट्रेड तो नहीं बना ना, यहाँ पे बनता मेरा, तो इसने एक बाय नहीं दिया, ओके, यहाँ पे आया। ये बहुत अच्छी कैंडल थी, शेषनाग जी के बीच में बनी है, अगर यहाँ से इसको और नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, ठीक है, मर्जी उसकी, कोई इसी ने लिया होगा तो बन गया। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल देखिए, शेषनाग जी को कट कर रही है, और वो भी सर जीएसएलवी एस है, हाँ सर, वो थोड़ा सा ना टंग मेरा स्लिप हो जाता है, प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। आप समझदार हैं, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ओके जी। तो ये देखिए, तो ये बनना चाहिए था, ये वाला हमारा जो हम बात करें फेल हुआ, लेकिन ये चीज देखिए जीएसएलवी बी, अब मैं सिर्फ जीएसएलवी बी, जीएसएलवी बोलूंगा, आप अपने देख लीजिएगा, अगर ब्लू है तो बाय है और ब्लैक है तो सेल है। इसके ऊपर एक बार यहाँ बना तो कितना अच्छा मोमेंट ऊपर गया, और जब भी यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए दोबारा कैसे बना, जब भी आपका एक टॉप बनता है, टॉप के ऊपर एक कहीं ना कहीं आपको जीएसएलवी बी बनता है, और वो धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अगर ये वाला इसके और ऊपर जाके बनता तो मुझे और मजा आता है इस बी में, लेकिन आप ये देखिए जब वो बी बनना चालू हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 बीच में, हालांकि ये थोड़ा सा इसने कोशिश किया, बट क्या यहाँ पे हमारा बाइंग बनता है? बाइंग नहीं बनता है। बाइंग क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसको कम से कम बॉडी पूरी यहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए थी। इसके ऊपर तो हमारा ट्रेड ही बन जाता है, राइट, इसके नीचे लाइन डाल के, ये हमारा एसएल है, इसके नीचे तो ट्रेड ही बन जाता है हमारा। सर 1 मिनट, इधर पे आपने पहले दिखाया था वो भी शेषनाग के नीचे ही था, लेकिन विक टच किया था उसने। नो ये सर, वाला थोड़ा थोड़ा और पहले पहले आपने स्टार्टिंग में बताया था ना वो इनसाइड कैंडल के पहले। हाँ चलिए, ठीक है ठीक, हाँ ये वाला सर, ये अप्रैल कौन सा वाला, ये वाला, अप्रैल में ऊपर जा रहा है। हाँ ये वाले। सर इसमें क्या, मैं समझा नहीं क्या बताया था। आपने इसमें बोला बाई बनता है, लेकिन उधर पे नहीं हुआ, बाई नहीं हुआ, इधर पे हो गया, गैप अप ओपन हुआ।
हाँ वो ठीक, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें बाय, नहीं नहीं वन सेकंड, अच्छा इसमें बाय नहीं बनता, हमारा बाय हमेशा शेषनाग जी के ऊपर ही बनेगा, राइट। ये मुझे दिखा रहा है कि मोमेंटम आने वाला है, मोमेंटम आने वाला है, बट हम लोग कब बाय करेंगे, जब शेषनाग जी के ऊपर 60% से ज्यादा कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर 60% से ज्यादा क्लोज नहीं होगी तो हम लेंगे ही नहीं। ये सब चीजें यहाँ पे अगर वो होता, हमारा डिमांड जोन होती तो शायद मैं इसको कंसीडर करता, अगर डिमांड जोन नहीं है यहाँ पे तो मैं कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोच पूरा, यहाँ पे देखिए छोटा मोटा, लेकिन हमेशा कभी भी एक बड़ा, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ यहाँ बना, हाँ यहाँ, सिप्ला में सर एग्जांपल आप देख सकते हो सेलिंग का, वो मैंने चार्ट भी शेयर किया था, उसको ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है। हाँ सेम ही चीज है, सेम ही। अभी इसमें किसको समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू वेट इन द ट्रेड कि आपके दिशा में जाएगा, और अगर नहीं भी जाएगा तो एसएल आपके पास है। ये मैं आपको क्यों यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, आपको बता देता है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ कि टॉप के बाद ये बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉप को नहीं तोड़ पा रहा, और टॉप के बाद क्या बन रहा है, ये GSLVS बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से नीचे जाने, कभी भी GSLVS बनता है, देखिए GSLVS बना कितना नीचे, गैप डाउन ही ऊपर हुआ मेरे ख्याल से, GSLVS बना ऑलमोस्ट गैप डाउन के आसपास ही ओपन हुआ। तो जब आप ऊपर जाओगे, आप यूज कीजिए ये GSLV है बहुत अच्छे तरीके से कम 1:1, 1:2 तो कहीं भी नहीं गया आपका। अगर बड़ा ट्रेड करते हो तो अलग बात है। अभी भी देखिए, अभी क्या है इसमें, क्या मैं ले लूंगा, अगर ये वाली अगर ट्रेंड बदलना है तो यहाँ पे कम से कम एक GSLV दिखे, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले ट्रेड में जाएंगे, फिर 50,000 तक जाएंगे। तो ये मैं सिर्फ एक दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था कि हाउ थिंग वर्क्स, हाउ यू कैन यूटिलाइज GSLV इन योर फेवर। और इसी को ही अगर मैं इसके 5 मिनट में लेके जाऊं, तो 2-3 दिन से तो मार्केट ऐसी है भी नहीं जिसमें कि बहुत ज्यादा कुछ। ये देखिए सेम चीज, अगर मैं यहाँ पे ये जो GSLVS बना हुआ है, तो मैं इसके ऊपर सेलिंग करूंगा या नीचे सेलिंग करूंगा, ऑब्वियसली इसके नीचे सेलिंग करूंगा, राइट। तो इसके नीचे क्या ये गया, गया ही नहीं, ऊपर की तरफ मोमेंटम आ गया, ठीक है, जिसने लिया अच्छी बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सीडी जोन है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो अपने को तो पता था कि ये ऊपर जाएगा, ओके, जिसको नहीं पता वो जाने। अभी ये देखिए, खैर ये वाली भी नहीं, ये वाली कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है, ये शेषनाग जी के ऊपर ने GSLV दिया उसने, और नीचे क्या है इसका, नीचे आप ये लगा लो। हमेशा जो लोग फंसते हैं ना एसएल के अंदर, एसएल का आप एक चीज ध्यान रखिए, एसएल कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, एसएल चलेगा अपने हिसाब से, राइट। हालांकि यहाँ पे नीचे आया, हो सकता है कि कुछ लोग निकल गए होंगे, एसएल यहाँ पे दिया होगा, लेकिन जो निकल गया वो वापस इस पे बैठेगा, और वापस बैठेगा तो देखिए जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है ये बाइंग, अगर कोई देख के डरे कि भाई ये वाली बाइंग, वो देख के डरना चाहिए, क्योंकि बड़ी कैंडल है, और वो भी मतलब क्या बोलते हैं कि GSLV एस साइड की कैंडल बनी हुई है। बट मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे किया था, नीचे एक लाइन डाली, यहाँ पे क्या किया, नीचे एक लाइन डाली, लोगों को तो तोड़े, तभी तो वो सेलिंग स्टार्ट होगी। हालांकि इसमें कोशिश किया इन लोगों ने, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ठीक है, ऐसी चीज आप देखते रहोगे। और यहाँ से अगर आपने लिया भी कोई, यहाँ तो आराम से कहीं आप किसी भी जगह कुछ भी सोच के आप बना सकते हो कि भाई यहाँ पे एक आप लॉन्ग बना सकते हो, चाहे पंबन से बना सकते हो, चाहे यहाँ से बना सकते हो, चाहे गोल्डन जोन, जहां मर्जी से आपने बनाया, चाहे ये आप नहीं कितने सारे मौके हैं देखिए ना यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये वाला, मैं यहाँ पे मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला सीन। मैं यहाँ पे, कुछ लोग डर जाएंगे कि सर ऊपर पंबन जोन है, ठीक है इसके ऊपर बना लो, ठीक है अगर ये है तो इसके ऊपर बना लो, कितने सारी जगह है आपके पास बनाने की। लेकिन मैं जो आज अभी इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इस कैंडल को देखो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, जैसे ही आप इस कैंडल को देखो तो इसके नीचे एक लाइन लगा लेना, जैसे इसके इसके अगर नीचे आता है तो इसका मतलब कि वो अभी सेलर्स का फॉलो अप आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप सब लोगों के साथ बिफोर आई ओपन इट अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है जी। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, डाउट क्लियर करते हैं, ठीक
किसी को कुछ ना समझ में आया हो जो मैंने बताया अभी, ये ना समझ में आया हो या पुराना कुछ ना समझ में आया हो, तो कुछ भी हो तो बताइए। सर ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइंस ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास। इसको भी मैं ऑफ कर, ये मैं बना दूंगा। अच्छा एक और चीज मैं क्या करता हूँ ना, छोटे छोटे चेंजेस जब करता हूँ, जैसे कि कुछ किसी को ब्रह्मास्त्र के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था 1 और 3 मिनट का, उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कोड चेंज किया, तो आपके पास कभी कभार एक मेल आएगी कि समथिंग न्यू इज पब्लिश्ड, तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोड चेंज होता है। तो जिसको वो कोड नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब चाहिए वो कोड चाहिए, आप सिर्फ हटा के दोबारा लगाओगे तो यू विल गेट द लेटेस्ट वन। यहाँ पे आके कैसे करना है, इन्वाइट में आके, मतलब पहले तो इसको यहाँ से हटा देना है, इंडिकेटर में आना है और वापस आके लगा देना है, बस इतना करेंगे तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये हर बार मेरे यहाँ से पढ़ता है। ठीक है, इसको हटाने का मैं डाल देता हूँ, सर वो तो ऑलरेडी डाला हुआ है आपने। इसको पूरा हटाने का भी डाला है क्या? स्टाइल में नहीं से नहीं हटा सर, ये सकते हैं, सारी नहीं हटती है सारी, तो वो नाइट स्टाइल में जाके स्टाइल ना फिर इनपुट्स वो में जाइए ब्रेक सर, स्ट्रक्चर एंड इनपुट्स ऑल सब हट जाएगा। नहीं इनपुट्स में नहीं जाइए वो नहीं हटेगा सर, अपर लाइन और वो सब है ना, वो हटा दो। इनपुट्स में सबसे नीचे है। चलिए इससे ना सारी लाइंस नहीं हट रही हैं, मैंने ट्राई किया था ऑलरेडी। मैं तो रोज कर रहा हूँ मैम यूज। अरे बहुत हॉश वॉश हो गया इससे ना, चार्ट एकदम नहीं, मैं समझ में एक नहीं आ रही बहुत सारी चीजें। नहीं, हटाया जा सकता है, मैंने हटा दिया, तो एक ही उसमें हटा, एक ही बटन बना दूंगा बाद में ना, कि एक ही बटन से सब हट जाए, अभी मुझे 2 3 जगह अच्छा जाके ये हटा। अपर और लोअर भी हटाना पड़ेगा विजिबिलिटी में से, बट हाँ वो सर वो जो ब्रेक स्ट्रक्चर है शायद वो वाला भी रिमूव हो जा रहा है इससे, बहुत सारी लाइंस रिमूव हो रही हैं उससे। नहीं, नहीं मैम और वो तो इंटरनल का है, इंटरनल एसएमसी स्ट्रक्चर्स का है वो, चोच और बीओएस वो सब। वो तो मैं, ये तो मैं नहीं यूज, नहीं 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 मैं कुछ और बोल रही हूँ, ये नहीं मैं बोल रही, मैं स्टाइल में जाके तो सर ने किया ना देख अभी। लेते हैं। इससे ये आ रही ग्रीन वाली, देखी ना ये वाली आई चली गई, लोअर ठीक है वाली ग्रीन, आई, ठीक है अच्छा अपर ब्रेक में ये बाय और सेल लिखता है, बाय अरे बाय, ठीक ओके ओके है ये हट गया। ओके ओके और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक्सटेंडेड लाइन का यहाँ पे मैंने डाला था, और ये हाँ ये डाला है आपने। मैं अलग इसी को कर रही थी एक्चुअली, स्टाइल में जाके मैंने ट्रेंड लाइन का कुछ है एक ऑप्शन ना, मैं वो ट्राई कर रही थी, ये नीचे लाइंस वाला एक्चुअली, अपर लोअर वाला मैंने नहीं किया, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू सर। ठीक है, नो वरीज, ये आप कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। सर ये जो फ्राइडे का बैंक निफ्टी है ना, इसमें अपने को दो एंट्रीज मिल रहे थे, एक जो है शेषनाग जी के पास, दूसरा जो है पंबन के पास। शेषनाग वाला तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि पंबन एंड गोल्डन जोन नजदीक है, रिवर्सल राइट के चांस है, राइट तो इसको मैं अवॉइड किया मैंने, तो इट्स राइट राइट बिल्कुल ठीक है। ओके। तो बस बनता है अपना एक एक ही जो है पंबन जोन के ऊपर, जो ग्रीन कैंडल 100% बनी है जो बाय के पास, वो एक ट्रेड, या उसको भी हम छोड़ सकते हैं सर क्योंकि 0.0 भी है वहां पे। सर देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है, दीपक को भी बता रहा हूँ, दीपक और मेरी इस बारे में बात हो रही थी, आपके हर ट्रेड के ऊपर, मेरे ख्याल से किसी ने तो यहाँ से भी लिया था, ठीक है, हर ट्रेड का ना रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, रिस्क जो ज्यादा रिस्क लेता है उसको उतना रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। ओके, अभी हर ट्रेडर का अपना अपना तरीका होता है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ। ओके, अगर जैसे मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, अगर मैं रिस्क लेने वाला ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी ले लूंगा रिस्क। ओके, मैं यहाँ पे भी ले लूंगा रिस्क, ये एक बार ही जब ट्राई कर लेता है उसके बाद दोबारा जाता है तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर मेरा एसएल भी हो गया तो भी मुझे पता है कि ये वाला ऊपर था, अगर इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि तो मैं यहाँ पे भी रिस्क ले लूंगा, मैं इसको भी अवॉइड करूंगा देखना, मैं इसको भी अवॉइड करूंगा देखना। कौन अवॉइड कर सकता है, जिसको ये लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ जिसको, और क्योंकि अभी क्या है, ये देखिए 12 बजे के बाद है ना, ये 12 बज गए ना, यहाँ पे 12 बजे के बाद मेरे को ये पता है कि ये जो लाइन है बहुत ज्यादा वो नहीं करती है, पंबन जोन 12 बजे के बाद थोड़ी सी धूप ज्यादा निकल आती है तो पंबन जोन थोड़ी सी डिम हो जाती है, ठीक है। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई किसका क्या तरीका है,
आप अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो आपके रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेंगे, लेकिन रिस्क आपका है। इफ यू कैन अवॉइड दैट, इफ यू कैन, आपको वो रिस्क अब में आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिया होगा, ठीक है ना सर? यस इस यस तरीके से डिपेंड करता है कोई भी, हर ट्रेड का। मैं बोलता हूँ ना कि आप ये देखो कि ये 1 स्टार ट्रेड है, 2 स्टार ट्रेड है, 3 स्टार ट्रेड है। अगर मैं इसके नीचे लूंगा, ऑब्वियसली मेरा जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, कम क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, और छोटे जैसे स्कैल्प करते हैं, मैं एक छोटा टारगेट पकड़ूंगा। अगर मैं यहाँ वाला ट्रेड लेता हूँ, ये वाला ट्रेड लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहूंगा कि भैया यहाँ पे मैं अच्छे खासे पॉइंट कमा सकता हूँ, और उसके बाद अगला दोबारा से बन गया, मेरे फेवर में बन गया, वो भी इसके ऊपर बन गया, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे वाला, जितना कम रिस्क है आप उतना ट्रेल कर सकते हो। सर, यहाँ पे 0.0 भी तो है, तो इसको कैसे टैकल करें हम? सर 0.0 आपको रोक नहीं रहा है, 0.0 सिर्फ आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा चुंबक टाइप का मिलेगा। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मोमेंटम, कंसोलिडेशन टाइप होगा। मुझे ये देखिए, मुझे क्या मोमेंटम लग रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, अगर 4 GSLV एक साथ आई है तो इसमें मतलब बायर्स में दम है ना, यस सर। तो ये बेस पे मैं कॉल लेता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैं आई विल टेक दिस वन। रिस्क है, यू आर राइट, रिस्क है यहाँ पे, लेकिन वही है कि रिस्क है तो इश्क है, जो जितना रिस्क लेता है वो उसको उतना मिलता है। सीडी जोन के ऊपर भी सीडी तो ऐसे ही है, सीडी सर, जोन बस सेटअप, सीडी जोन सेटअप भी है यहाँ पे। हाँ नहीं, बस मैं चीजों को समझने की ट्राई कर रहा था, 0.0 में एब्सोल्युट कितना कंसोलिडेशन रहेगा एंड एब्सोल्युट, होल्ड। थैंक यू सर। अगर यहाँ पे 0.0 नहीं होता, यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट मैं इस पे लॉन्ग बैठ जाता 2 लॉट के साथ। कॉमन जोन नहीं होता तो मैं यहाँ पे 6 लॉट के साथ बैठ जाता। यस सर। फ्राइडे तो मैंने ये ट्रेडिंग बहुत ही कम की थी, फ्राइडे भी नहीं की थी, थर्सडे भी कम ही, थर्सडे तो मैं था ही नहीं बाजार में, बाजार ही नहीं देखा मैंने पूरा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला अभी, एक चीज जो अभी मैंने शुरू किया उसमें दिखाया कि मैं जहां भी, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जहां भी मैं देखता हूँ ना कि एक ये आ गया, एक GSLV आ गया, आप मैं उसे टॉप और बॉटम पे अगर लगा लूँ ना तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देख ही जाता है। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या आप हमें मतलब बाद में, अभी नहीं, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे भी थोड़ा एक छोटा सा लेक्चर? रिस्क मैनेजमेंट पे तो बच्चों को लेक्चर देते हैं यार, इतना तो तुम सब कुछ। नहीं सर, मतलब सब में है ना थोड़े तो। मुझे देखो, अगर मेरे को ऐसे ही करना है मैं दुनिया भर के बना सकता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में ना मेरे जो मेंटर है, जिनको मैं अपना मेंटर बोलता हूँ, उन्होंने एक लाइन में मुझे पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिखा दिया था। ठीक है, किताबें और यूट्यूब आपने बहुत सारे देखे होंगे, उनका एक ही डायलॉग होता था, और बहुत बार ये डायलॉग आता था कि रिस्क उतना लो जितना रिस्क लेने के बाद आपको रात को नींद आ जाए। ओके, अब ये रिस्क आपके लिए कितना है वो आप देखिए, आपको डिपेंड हर है। ऑप्शन में पता है। अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का एक ऑप्शन है आपने लिया है, वो 0 तक हो सकता है, क्या ये 0 हो गया आपको रात को नींद आ जाएगी, तो आप यू कैन टेक अ बिग रिस्क। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा 10-12% का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरा SL होता है वो पैसा देख के नहीं लगता है। अगर वो स्विंग के नीचे लग रहा है, जैसे ये देखिए ये क्या है, ये एक स्विंग बना है ना, ये स्विंग बन रहे हैं, तो ये स्विंग आइडली आपका स्विंग के नीचे यहाँ पे SL होना चाहिए, जब ये आया तो ये स्विंग के नीचे होना चाहिए। अभी किसी स्विंग के अंदर आपका 1,000 रुपये का भी SL होगा, किसी स्विंग के अंदर आपका 2,000 का भी SL होगा, तो मैं किसी को कैसे बोल दूं कि भाई 10% SL, 10% से ज्यादा मत ले। सारे यूट्यूबर्स वही बोलते हैं 5% लो, 10% लो। अरे मेरे भाई, SL कोई मेरा वो देख के थोड़ी, मेरा परसेंटेज देख के थोड़ी मार्केट SL देगा। करेक्ट हर सर, यही तो समझना है। हर ट्रेड में, मैं इसीलिए क्यों, मैं ट्रेड प्लान क्यों मेरा फेवरेट वर्ड है, कि मेरा प्लान ये बोलता है कि मैं कभी भी कोई भी अगर एक एंट्री लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसके ऊपर एंट्री लेता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर एंट्री लेता हूँ, तो मेरा कितना SL होना चाहिए, मेरा SL होना चाहिए 70 पॉइंट। क्या मेरा 70 पॉइंट यहाँ पे है? क्योंकि नहीं सर। तो मेरे लिए तो यहाँ पे रुकेगा नहीं कि भाई आपके ये है तो मैं तुम्हें थोड़ा कम देता हूँ। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, नहीं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ यहीं पे एंट्री बनेगी, इस कैंडल पे बनती है ना एंट्री, तो कैंडल यस सर, यहाँ पे ग्रीन। पे एंट्री बन जाती है, तो इस कैंडल पे जब मैं एंट्री लेता हूँ तो मैं कितना लेता हूँ कि भैया नहीं सर, सेवन, मैं सीडी जोन है वहां पे, मैं नहीं लूंगा ना। ओके एक बात बता रहा हूँ कि मान लो कि, क्योंकि हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे, okay. 70 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ।
अब आप मतलब मैं ट्रेड नहीं बता रहा, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। अब ये 70 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। आप क्या यहाँ पे मेरा 70 पॉइंट में एक दिन 1,000 आएगा, एक दिन 1,200 आएगा, एक दिन 1,500 आएगा, बट अब ये नहीं है कि 1,500 रुपए को एडजस्ट करने के लिए आप इसको ऊपर कर ले, नहीं वो है ही नहीं, वैसा होगा ही नहीं, है ना। तो आप हमेशा ये देखिए कि उतना रिस्क लीजिए जितना मेरे को नींद आ जाए। अभी अगर मुझे ये लगता है कि चलिए ये 70 पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो मैं वो ट्रेड उठा लूंगा, मैं वो ट्रेड उठाने से नहीं डरूंगा। अब अगर मान लीजिए ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल पे ट्रेड बनता है, मैं नहीं लूंगा, कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 120 पॉइंट के आसपास का एसएल है, मत लीजिए। नंबर एक, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो बिना ट्रेड प्लान के तो आप जाओगे ही नहीं। जो भी हमारा 10% क्लब का मेंबर है, या इनफैक्ट पब्लिक भी है इसके अंदर, पब्लिक चैनल वाले भी हैं, हम मैं जिस तरीके से सिखाता हूँ, मैंने तो हमेशा बोला है कि चाहे ट्रेड मत लो, ट्रेड प्लान जरूर बनो। आपने दो ट्रेड ले लिया, आपको 500 1,000 रुपये मिल गए, उसके बाद पूरे दिन क्या कर रहे हो, बोरी तो हो रहे हो ना, ट्रेड प्लान बनाओ। तो ट्रेड यस प्लान सर, बहुत जरूरी है, और आपको हर ट्रेड प्लान के अंदर पता है कि आप कितने का रिस्क ले रहे हो, बात खत्म, ठीक है। यस सर, मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझाऊं, ट्रेड प्लान बिना ट्रेड प्लान के क्या होता है। जो बिना बिना ट्रेड प्लान इज लाइक आप क्या करते हैं, वो जहाज से कूदते हैं ना, कुछ तो बोलते हो स्पोर्ट्स को, क्या खुदा बोलते है, हैं, बहुत खुदा है सर। स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग। आप स्काई डाइविंग करने गए हो बिना पैराशूट के, खुद ही सोच लो आप वो कर रहे हो। ट्रेड प्लान के ट्रेडिंग करना बिना पैराशूट के डाइव करना है 14,000 किलोमीटर के ऊपर से, सोचो आप क्या करना चाहते हैं, ये जितना भी ऊंचाई होती है मेरे को पता नहीं। ओके जी, तो जब आप इस चीज में, हाँ एक तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट का कि आप यहाँ से देख लो कि आप कितने पॉइंट आप रिस्क पे ले रहे हो, और जो दूसरी चीज मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कितनी कंडीशन मेरे को सपोर्ट कर रही है। ये तो पर ट्रेड प्लान पर वो देता है, लेकिन दूसरा क्या होता है कि ट्रेड आपका कैसा है। मेरा ट्रेड जो है 1 स्टार ट्रेड है, या 2 स्टार ट्रेड है, या 3 स्टार ट्रेड है। अब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी मेरे पास कितनी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि ये शेषनाग जी के ऊपर आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी नेगेटिव कंडीशन क्या है, कि यहाँ पे क्या है, सीडी सर, मेरा ये तो ट्रेड ही खत्म होगा, ये तो ट्रेड ही नहीं कर सकता मैं, खत्म। ओके, मान लीजिए मैं इसके बाद ये ऊपर गया, एक बार इसे टकराया, नीचे आया, ये इसके नीचे नहीं गिरा कभी भी। कोई जीएसएल भी देखो ना, उसके ऊपर नीचे लाइन खींच के समझो उसको कि कैसे काम करे, ठीक है। इसके नीचे गया, नीचे तो नहीं जाने वाली है, इसका मतलब क्या था, ये जो ऊपर गया था इनको गिराने के लिए आई थी। उसके बाद मैं कहाँ ले सकता हूँ ट्रेड, यहाँ पे ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं सोच सकता, यहाँ पे क्यों यस सोच, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ जीएसएलवी आ रहे हैं, और मेरा ये ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है, और मतलब एक सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चीज क्या है, ऊपर 0.0 है, और ऊपर मेरा कम्बन जोन कमांड है। सर, मैं यहाँ पे कितने लूंगा, मैं यहाँ पे चलो 2 लॉट ले लूंगा मैक्सिमम, अगर मैं लूंगा भी तो यहाँ पे 2 लॉट लूंगा, ठीक है। अब देखिए आपका, मैं अपना रिस्क कैसे प्लान करूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे को मिलता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर की पौड़ी बनी है। हर की पौड़ी क्या बोलती है, कि या तो आप इसके, जब भी ये अगर ये वाली कैंडल है इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये फिर वापस आएगी, उसके चांसेस कम है, और अगर आएगी तो आपको यहां तक का एसएल रखना पड़ेगा, विच इज वेरी वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क। ओके अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरे को वही है कि डर है कि ये नीचे ना आ जाए, बट ये ऊपर क्लोज हुई है तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। ओके जी, यहाँ पर भी मैं कितने लूंगा, यहाँ पे भी 2 या 3 लॉट लूंगा एट द मैक्स। उसके बाद यहाँ पे रुक गया थोड़ी देर बाजार, यहाँ पे रुका, जब यहाँ पे चला बाजार, जब यहाँ पे चला तो यहाँ पे मैं कितने लॉट उठा सकता। सेम चीज, ये ऊपर गया है, ये इसमें क्या है कि एसएल बहुत बड़ा बन रहा है इस दिन में, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं तो एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, तो या तो अगर मैंने सीडी जोन वाला लिया होता तो मैं उस पर रखता, और जैसे ये पहला रेड वाला बन गया यहाँ पे भेज देता, खत्म। अगर मान लीजिए एक बना नहीं है, खैर ठीक है, हमारे कहने से नहीं बनता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता और सीडी जोन के बाद मैं कोई यहाँ पे ट्रेड लेना होता इसके ऊपर, तो मैं 4 लॉट उठा लेता। 4 लॉट क्यों उठा लेता, 4 में से 2 लॉट मैंने क्यों काट दिए, क्योंकि पम्बन जोन था यहाँ पे और 0.0 भी था यहाँ पे। 0.0 क्या करता है, रोकता नहीं है, लेकिन रोकने की ये क्या करता है, एक बार बोलेगा वापस मेरे को सलामी दो फिर जाओ,
ठीक है, गोल्डन जोन भी इस तरीके से करते हैं कि मुझे सलामी दो, देखिए ये है ना, पहले सलामी दी फिर गया, तो ये ऐसी जगह है कि ये डायरेक्ट एक बार नहीं निकलता, तो मैं इससे इतना ज्यादा डरता नहीं हूँ। मैं डरता हूँ इससे, मैं डरता हूँ सीडी जोन से। और मैं किस चीज, कौन सी एक और चीज है जिससे मैं डरता हूँ? एंड सीडीजन एंड्रेस करके बताना, सीडी जोन के अलावा, नहीं, एंड सीडीजन शेषनाग एंड्रेस करके, सीडी जोन के अलावा, जी। शेषनाग जी। और एक और चीज है, जो हैंड रेस करेगा उसी का ही गिना जाएगा, वरना गिना नहीं जाएगा। सीपीआर नहीं, सीपीआर नहीं है। विवेक अर्थ जी, जितनी सॉरी, लक्ष्मण भी बात, रेखा, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी का आर थ्री सर, आर थ्री। R3, 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 R3 को मत भूलिए। ठीक है और सर, सर उसका ये आपने जो ये भाई साहब बोल रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, आपने बहुत साल पहले जो वीडियो बनाया है इसके ऊपर, मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया चैट में, जिसमें आपने 1 लाख को 6 से डिवाइड करो करके पूरा बनाया हुआ वो एक स्टैंडर्ड मेथड है, उसको फॉलो करोगे तो है। मजा ही आई हैव आता शेयर दैट लिंक सर, पीपल शुड सी दीज वीडियोस। है। ओके, थैंक यू सर। सर आपने अभी गोल्ड सुना रोड मेंशन किया, लाइक जीएसएलवी सीरीज बन रहे हैं, तो ये कन्विक्शन ऑफ बायस का हम कंसिडर कर सकते हैं ना? रिपीट कीजिए एक बार। सर आपने अभी एक पॉइंट लिया था, जीएसएलवी बार बार बन रहा है, सीरीज ऑफ जीएसएलवी बन रहे हैं, राइट, तो हम ये कन्विक्शन लेके चल सकते हैं कि ये ट्रेंड पॉजिटिव वर्ड्स रहेगा क्योंकि बायस ज्यादा है जीएसएलवी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये हमको कहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जब जीएसएलवी बी बनेगा, जब रेड रेड वाला? जीएसएल, अब देखो ये लास्ट डे का अगर आप कैंडल देखोगे, है ना, ये जिस दिन मैं नहीं था, ये बड़ी कैंडल एक आई थी, इसके नीचे आप एक लाइन की थी मैंने, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली भी तो कितने पॉइंट उसको दिए हुए इसने, उस सेम कैंडल के अंदर 138 पॉइंट लिए। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली हो, फिर एक कैंडल खत्म हुई, यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है, तो 138 पॉइंट इसमें भी थे। लेकिन आप ये देखोगे जैसे ही ये यहाँ पे क्या है, सीडी जोन है, तो सीडी जोन क्या करती है, सीडी जोन, 0.0, ये सब क्या करते हैं, एक साथ नहीं जाने देते, सलामी लेते, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तोड़ दिया इसने, इतने तेजी से आई यहाँ पे, हालांकि 100 पॉइंट यहाँ भी दे दिए, जिसको चाहिए यहाँ 100 पॉइंट अवेलेबल थे, ले लो, लेके घर जाओ। सीडी जोन ने क्या किया, एक बार वापस किया मेरे पास, वो ऐसे कैसे चली गई। बाद में जब इसी लाइन को तोड़ा तो किस कैंडल ने तोड़ा, जीएसएलवी ने तोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे चाहो तो दोबारा एक एंट्री आपकी बंद, और जीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी यहाँ पे निकल जाओ, जैसे जीएसएलवी बननी बंद हो गई, या यहाँ पे एसएल रुक गया, जिस तरीके से आप मैनेज करो। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बाजार में किसका बोलबाला है, इज इट द बायर और इज इट द सेलर। Got it, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। है किसी और का क्वेश्चन? सर मेरे को वो आपसे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी, वो ऊर्जा के रिगार्डिंग थोड़ा आपसे मैंने पूछा था, डिस्कशन करना था, ऊर्जा को थोड़ा समझना था। सर आपने सारे वीडियो देख लिए, आप मुझसे प्रश्न कीजिए, क्या आपको क्या समझ में सर नहीं आ रहा? उसमें जैसे स्टॉक सिलेक्शन जो होता है ना, उसमें वीडियोस तो मैंने देख लिए, बट स्टॉक सिलेक्शन का एक बार थोड़ा सा अच्छी तरह एक बार प्रैक्टिकली एक बार आप अभी समझा दें तो, क्योंकि आपने मॉर्निंग में जैसे बहुत। लाइव सेशन अटेंड किया ना हमारे? हाँ सर वो लाइव सेशन आपका जो टेलीग्राम वाला होता है वो मैं करता हूँ, बट वो समझ में नहीं आता कि बहुत बार आप जो प्री मार्केट वाला लेते हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारे स्टॉक्स अलग से ले लेते हैं, वो किस बेसिस पे कैसे होता है, अगर वो सर थोड़ा सा आप। इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखे। चलिए एक एक सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो शायद मैं वो सिखाया होगा, इसमें देखते हैं इसमें क्या है, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं वो कहाँ से। बेस्ट होस्टिंग इज समर सेल, वीपीएस होस्टिंग नाउ स्टार्ट्स एट ओनली 449 रुपीज।
ये तो सर, ये तो आपको समझ में आएगा, ये तो मॉर्निंग वाला है। हम मॉर्निंग में जो हमारी वेबसाइट है, ये वाली हाँ वेबसाइट प्री है, ओपन में सर वो आप मतलब सॉर्टिंग कर लेते हैं, और उसमें 3-4% ये देखिए ये वेबसाइट आ गई। तो इसमें बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस्ड ऑन दीज कि यहाँ पे किसका ज्यादा चेंज है, तो परसेंटेज चेंज। आप यहाँ पे आके देखते हैं कि उसके अंदर की है या नहीं। ठीक है, हम मान लीजिए इन दो में की है, तो ये जो हमारा काम है ये कब तक चलता है, ये हमारा काम चलता है 9:07 तक। 7 मिनट तक। ठीक है, 9:07 पे क्या होता है, 9:07 पे हमारे जो भाव है वो अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे आगे क्या होता है, मेरे आगे मान लीजिए वो मैं दूसरे वाले अकाउंट से करता हूँ, तो मेरे आगे आप ये मान लीजिए कि फिलहाल ये है लिस्ट, इसके अंदर क्या होते हैं मेरे फ्यूचर के 200 शेयर होते हैं 193। तो आपको क्या करना है, 9:07 पे जैसे ही आपको एक बार भाव आने चालू हो गए, आपको यहाँ पे चेंज पे जाना होता है। ओके, मान लीजिए ये ओके सबसे, सर, मान लीजिए ये सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो हम इसको डे में किस तरीके से देखते हैं, वो रूल्स आपको पता ही होंगे, वो रूल्स हाँ का सर, मैंने कि बताया उसका मतलब अलग ऊपर कोई उसको रोकने के लिए कोई ना हो, कोई हो, और उसका जो ये वाला साइड है वो पूरा का पूरा खाली हाँ हो, क्लीन हो, क्लीन हो। क्लीन होना यस चाहिए, और वो थोड़ा सा उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब कि एक हमारे कहीं सप्लाई जोन में ना हो, वो सब हम लोग देखते हैं। तो जी आधे स्टॉक तो आते हैं, आधे स्टॉक जो हम लोग वहां पे देखते हैं प्री ऊर्जा में, मेरे ख्याल से मैं कितने स्टॉक कोशिश करता हूँ, 6 + 4 10 स्टॉक लेता हूँ, 10 स्टॉक में से 7 या 6 तो जो प्री ऊर्जा में हम लोगों ने देखे होते हैं ना, प्री वाले में 10 में 7 स्टॉक तो वहीं से आते हैं, बाकी के 3 स्टॉक में यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नया स्टॉक आ गया जो यहाँ पे नहीं है, उस वाली वेबसाइट पे नहीं है, और मैंने यहाँ पे देखा कि यार ये भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि आपका जो स्टॉक है वो 1% ऊपर होना चाहिए, निफ्टी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका जो कैंडल है लास्ट कैंडल के पीछे इस तरफ जो है कि पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। अभी क्या है कि दैट वाज फॉर द बिगिनर, अभी आप क्या हो कि जैसे आप हमारे साथ हो, अब आपको और भी चीजें पता है कि और भी चीजें अच्छी तरीके से काम करती है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे कभी भी क्या होता है कि जब भी आपका एक स्टॉक शेषनाग जी के ऊपर होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है, अभी ये तो खैर नीचे की तरफ आ रहा है राइट, अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पर है, इस तरीके से कोई स्टॉक बंद हुआ है, तो वो स्टॉक भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये पता है कि देखिए ये वाला, देखिए आप मैं पीछे वाला, जैसे ही शेषनाग जी को टच करता है ऊपर की तरफ भागता है, तो ये कंडीशन मैंने कहीं पे बताई नहीं है, लेकिन जो लोग स्ट्रेटेजी को जानते हैं, जो लोग लाइव करते हैं, उनको पता है कि हम लोग ऐसे भी स्टॉक यूज कर सकते हैं। हाँ और सर, जो एग्जैक्टली मेरे को यही वाला था कि मतलब वो लेने के बाद भी आप कुछ बहुत बार वो दूसरे स्टॉक्स लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं? और वो ऐसे ही लेता हूँ, सिर्फ यहाँ पे मेनली दो तरीके से लेता हूँ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कुछ स्टॉक को जैसे कल के लिए आज अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एक्साइड है आज अच्छा काम किया कल भी ऊपर जाएगा, उनको ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे एक्साइड कब आएगा, यहाँ पे एक्साइड जब ही आएगा ना, कि जब वो 2% 3% अप में खुलेगा। कई बार क्या होता है कि आपका स्टॉक ऐसा है कि वो उसका टॉप यहाँ पे बना हुआ है राइट, और पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 1% से ज्यादा मान लीजिए 0.75% में जा रहा है, तो अभी क्या है कि वो ये मेरे क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता, लेकिन मेरे को पता है उसके अंदर कल भी वॉल्यूम ज्यादा आई थी, आज कम से शुरू हो रहा है, लेकिन दोबारा से भाग। तो टेक्निकल बेसिस पे हम कुछ ऐड कर देते हैं, और आप ही लोग बताते हो सुबह, आपने देखा होगा, तो मैं तो बस यस ये सर, स्टूडेंट, आप ही लोग बताते हो कि सर ये भी अच्छा है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि अच्छा इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, कल भी अच्छा भागा था, और आज भी अच्छे तरीके से बाकी के सारे क्राइटेरिया ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। तो वो कहते हैं ना कि देखिए सर कोई भी चीज धीरे धीरे इवॉल्व होती है, इवॉल्व होती है, इवॉल्व नहीं इवॉल्व होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने की का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ऊर्जा के अंदर, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये ऊर्जा वर्जन 3 है, जहां पे कि हमने दो और कंडीशन ऐड कर दी कि अगर शेषनाग जी से उछाल ले रहा हो तो भी आप उसको मान सकते हो, और अगर वो 1% से कम में भी अगर खुल रहे तो भी आप उसको अपने ऐड कर सकते हो। बट वही है कि जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे ऊर्जा के, उतने आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इसका बिहेवियर है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर।
मीन्स ये दो ही क्राइटेरिया, दो तीन जो क्राइटेरिया भी आपने बताया, इसी के बेसिस पे ही सारा काम होता है। ये सारा काम होता है। अभी इसमें क्या है ना कि आप धीरे धीरे हर को, ये एक फ्रेमवर्क है, जैसे अभी ये है साइड का, सबने बुक कर लिया ना, 330 बोला था इसका पहला टारगेट। अभी यहाँ पे मुझे पता है, जैसे जब ये वाला दिन था, ओके जी, आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट में इसमें कुछ भी नहीं है, यह बहुत दूर है, इतना दूर तो मायने नहीं रखता। आप इस वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और ये वाली कैंडल क्या बनी है, जीएसएलवी बनी है। जीएसएलवी कहाँ बनी, और ये जब यहाँ पे नीचे आ रहा था सारा, उसको आसपास उसने अगर देखो तो क्रॉस करके क्लोज दिया, लाइन लगा हूं तो इसने ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोज दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर निकला, क्योंकि ये हाई नहीं तोड़ा था, इस हाई से वापस गया था, और अभी मुझे क्यों लग रहा है कि ये हाई टूट जाएगा, क्योंकि इस बार ये तोड़ने के लिए जीएसएलवी कैंडल बनी है, ये तोड़ने के लिए जीएसएलवी कैंडल बनी है। तो ओके सर, हालांकि ये मेरे अगर रूम में भी फिट नहीं होता तो भी मुझे लगता है कि हाँ यार ये ना मार सकता है, अच्छा खासा ऊपर मार सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे काम करती है। अब जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे मुझे पता है कि इसने यहाँ पे क्लोज दिया है, ओके, लेकिन आप ये देखिए है क्या, ये दिस इज मिड ऑफ आर्की पौड़ी, एफपीजी, एफपीजी, हाँ हाँ सर, वही आर्की पौड़ी से तो ऊपर जाता ही है ये, तो यहाँ पे अगर आप इसको लोगे तो आपके पास एक अच्छा मोमेंटम है कि ये अच्छा और ऊपर जा सकते हैं, ओके। सेम चीज, मतलब हम लोग क्या करें, वही जो नॉर्मल अपना टेक्निकल है वो हम लोग इसमें लगा रहे हैं। जैसे ये वाला है, मुझे पता है कि हर की पौड़ी में, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है एस कैंडल, ओके, एन के ऊपर नहीं गई, एन कैंडल के ऊपर जाती तो सीधा ही ऊपर भाग जाता, तो क्योंकि ये एन के ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया इसलिए वो नीचे आई, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो भागेगी भागेगी। तो वो एक दिन दो दिन अगर आपके सेटअप में आता है तो वो आप उसको, मतलब बाकी के सारे रूल को बाईपास बना देते ना सर, जैसे गाँव में हर बार नहीं घुसते, जब मुझे रास्ता नहीं पता होता तो मैं बाईपास नहीं पकड़ता था, मुझे पता नहीं रास्ता कैसे जाएगा, अब आपको रास्ता पता है, आप बाईपास पकड़ के भी निकल सकते हो। ओके सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? सर आई हैव वन क्वेश्चन। शेयर्स में जब ऊपर 0.52 आता है, अगर अप हाँ ट्रेंड में जा रहा है 0.52, और समटाइम्स क्या होता है उसके ऊपर सप्लाई जोन भी आती है, तो जब सप्लाई जोन को हिट तो उसमें 0.52 को हिट करता है, तो आपको सेलिंग का डिसीजन कहाँ पे लेना है, 0.52 पे लेना है या उसको वेट करना है सप्लाई जोन को टच करने के लिए? आप इंट्राडे की बात कर रहे हो या स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हाँ, इंट्रा डे में ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो शेयर्स एक साथ चले जाते हैं सब सप्लाई जोन में, फिर वहां से। और दूसरा मेरा इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि सप्लाई जोन पे जब हिट करता है तो हमको नीचे का टारगेट कितना लेना है, अगर हमको शॉर्ट करना है तो हो? कहाँ पे सर आके रुक सकते हैं? ये ना सर, दो तीन चीजें होती है इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, अभी ये हाँ यहां जी से वापस आएगा, मेरे को इसका कोई इल्म नहीं है, मैं ये ट्रेड नहीं पकड़ सकता, ओके, क्योंकि मुझे ये एक अच्छा खासा बाइंग इसके अंदर है, जीएसएलवी के साथ ऊपर जा रहा है, यहां से जीएसएलवी तो खत्म हो गई, तो मतलब ये मोमेंटम अभी उतना नहीं बचा, बट इस पॉइंट को पकड़ना इसके अंदर, इंडस टावर के अंदर फ्राइडे मेरे को पॉसिबल नहीं था, ओके। मुझे लेकिन ये पता है कि अगर यहाँ से गिरेगा भी, अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती भी है तो वो यहाँ तक आएगी, मैं पहला आपका ये लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, केशनाथ शीशनाथ जी, और अगर नीचे ये भी है तो इसका मतलब इसके नीचे तो फिर जाने का मतलब ही नहीं है, जहाँ सीडी जोन बन गया वहां तो बात ही खत्म हो जाती है, तो इसके नीचे तो ये नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ, अच्छा चलिए ये मानिए कि यहाँ पे ऊपर का, यहाँ पे ये होता सीडी जोन होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये नीचे का सिटी जोन, तो मैं बिल्कुल ही इसके नीचे शॉट मारता और यहां तक का मारता। सर, ये सेम मैंने लिया था और भेजा भी था ग्रुप में। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे अभी नहीं दिख रहा कि यहाँ पे जब वापस मैंने ये आता, 22 साइड का लिया था सर, यहाँ पे R3 हो सकता है शायद। हाँ होगा कुछ ना कुछ, हो जरूर कुछ ना कुछ, आपको एक ना एक चीज मिल जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ जिसमें मिल चुका है आप वो ले लीजिए। अगर मैं सीपीआर इसमें लगाऊं, सीपीआर बताता है क्या कुछ? अच्छा
अच्छा स्टोरी पर नहीं, मैं भी इसमें भी मुश्किल था, तो कोई ऐसा ढूंढ लेता जिसमें मेरे को इजी वाला मिल जाता। तो सर हमेशा अगर आप कभी भी गिर रहे हो तो आप गिर के यहाँ तक आते हो, सीढ़ी जोन तक आते हो। शेषनाग जी हमेशा मेरा पहला, अगर मैं नीचे से, अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ, शेषनाग जी पहला टारगेट होता है और उसके बाद सीडी जोन या ऊपर क्या है वहां पे नए टारगेट्स होते हैं। इसमें चलिए कोई और ऐसा होता तो बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का ये है ना, ये देखिए ना सर, ये सिंपल सा ही कल का ही जो है फ्राइडे वाला, फ्राइडे है ना। हाँ देखिए सर, यहाँ पे एक वो बनती थी, मैंने क्या समझाया कि कोई भी कैंडल है जीएसएलवी कैंडल का, ऊपर नीचे तो मार्क करना ही है आपको। अब ये नीचे ये देखिए कहाँ से इसने वो लिया है, रिवर्सल लिया है, सिटी जोन से रिवर्सल लिया है। मेरे को पता है सिटी जोन से रिवर्सल लिया है तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं यहाँ से अगर कहीं से भी उठा लूँ ये ट्रेड, दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी माई सेकेंड टारगेट, और उसके ऊपर फिर देखा जाएगा जहां पे मिलेगा अच्छा वहां तक लेके जाएंगे। दिस शुड बी द फाइनल टारगेट, 52K इज द बट फाइनल। ये एक डाउट है सर, ऊपर का सीडी जोन में ब्रेक हुआ ना, तो जनरली हम लोग ऊपर का सीडी जोन पे सेल के लिए देखते ना रेड वाला, नहीं बट ये सर यहाँ ऐसा पे ना 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है कि सीडी जोन पे आपको सेल के लिए ही ढूंढ रहे। सीडी जोन क्या है ना, आप ये देखिए कि आप एक जगह से जा रहे हो, वहां पे चेक पोस्ट है। ओके, या चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है? चेक पोस्ट का मतलब ये तो थोड़ी है कि वहां से आप वापस ही आओगे, वो चेक करेगा, अगर आज सब ठीक है तो ऊपर जाएगा। पर जाने देगा। तो हमें क्या करना है कि अगर हम नीचे से आ रहे और मुझे पता है वहां पे चेक पोस्ट है, तो सबसे पहली बात तो आप वहां पे रुकोगे ही रुकोगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप फुल स्पीड में चले जाओगे, रुकोगे ही रुकोगे। अगर आपके पास कुछ इलीगल मटेरियल है तो आप वहां से वापस लौट जाओगे। इलीगल मटेरियल नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, तो आप वहां पे चेक पोस्ट पे पास होके ऊपर भाग जाओगे। हर कंडीशन के लिए आपको पता है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अब जैसे ये वाला था, ठीक है, यहाँ पे क्या गया, इसने ऊपर मारा ना, इसने यहाँ पे टिप को टच किया, सीडी जोन को टच किया और वापस आ गया। ओके, मैं यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ? कहीं भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ सिटी जोन है, सॉरी शेषनाग जी है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से जो भी मैंने बाय किया था, यहाँ पे जो भी मैंने बाय किया होगा, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। ओके, वो तो हो गया, वो तो खत्म है। अभी क्या है, अभी मैं मान लीजिए अभी मुझे सेल का ट्रेड ढूंढना है, जैसे सर ने पूछा था अभी, तो यहाँ पे क्या मैं सेल करूंगा? मैं नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे आप ये कैंडल देखिए, जीएसएलवी ग्रीन कैंडल के आगे आप सेल का सोच ही कैसे सकते हैं? और अगर सोचोगे तो कोई मेरे को ये बता के दिखा दे यहाँ पे ट्रेड प्लान क्या बनेगा? ट्रेड प्लान ही नहीं बनता है। जब तक शेषनाग जी के नीचे आप 100% आपकी कैंडल ना बन जाए, 60% आपकी कैंडल ना बन जाए, तब तक आप ले ही नहीं सकते। ये कैंडल आई, मेरे यहाँ से आवाज आती है इको, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई और। बट ये ब्लैक कैंडल आया था ना सर, वो ऑलमोस्ट 50% आया था, एब्सोल्युटली, ये देख के मैंने सोचा कि चलो अब सेलिंग बनेगी क्योंकि सेलिंग बनेगा। ऊपर सीडी जोन है, राइट। यस लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? बॉम्ब, जब मैंने आपको कैंडल स्टिक पढ़ाया था तो एक बहुत अच्छा एक डायलॉग मारा था, अगर किसी को याद हो तो हैंड रेस करके बताना कि ये हैंड रेस वाले का ही मैं आंसर मानूंगा। जब मैंने कैंडल स्टिक आपको पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बोली थी, कैंडल स्टिक के जो पैटर्न होते हैं वो कब चलते हैं? मान लीजिए एक हैमर बन गया इस तरीके से, ये कब एक्टिवेट होगा? उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, याद है किसी को? हिता मैम बताएंगी, चलिए आई गो वन बाय वन। हिता मैम बताइए, याद है आपको? तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अरुणा मैम आप बताइए। सर ये हैमर का हाई क्रॉस होना है, अभी इधर पे जो ब्लैक कैंडल है उसका लो क्रॉस होना है। एब्सोल्युटली, जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली, मैंने ये बोला था कि ये जो है ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चाहे आपका हैमर है या कुछ भी है, दीज आर वो क्या बोलते हैं कि बिना डेटोनेटर के बॉम्ब है। बॉम्ब, जब बॉम्ब इतना तगड़ा होता है कि एक बार फूटता है तो जो हमारी तोप्स आती है ना, तोप के नीचे लगाते हैं, एक बॉम्ब लगाते हैं उसको,
कुछ तो बोलते हैं नाम, मुझे नहीं पता, जिसको पता हो बता दीजिएगा। तो तो एक चीज कर सकते हैं ना सर, ये जो ब्लैक कैंडल बना है इसका लो और हाई मार्क करके जिधर साइड ब्रेक होगा उधर फिर से ले सकते हैं ट्रेड। और सपोज हाई ब्रेक हो तो इसने आज की क्लास में ये 4 बार बोला है, आपने पांचवी। तो ऑल दीज आर डेड बॉम्ब्स अंटिल इट इज नॉट ट्रिगर्ड। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे ट्रिगर हुआ क्या सेलिंग? नहीं हुआ। कब होती है सेलिंग? ये ब्लैक कैंडल के नीचे अगर बनेगा तो। तो सेलिंग यहाँ पे कब सेलिंग आपकी बनती है? यहाँ पे भी तो इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के सारे रिटेलर्स टूट पड़े होंगे ना, लेकिन कब बनती है? जब इसके नीचे आप लाइन डाल लीजिए, उसके नीचे जाएगा तब सेलिंग बनती है। इसके नीचे जाएगा तब सेलिंग बनती है, इसके नीचे जाएगा तब सेलिंग बनती है, राइट? यस अगर आपको ये चीज पता है तो कितनी इजी चीज है, बताओ। आप इसके चक्कर में फंसोगे। और सीडी का अपोजिट वाला रूल क्या है? सीडी जोन में हम लोगों को अगर नीचे से आ रहे हैं, सीडी जोन ने हमें रोका और हमें उसके ऊपर बाय का ट्रेड लेना है, तो हैंड रेस करके कौन बताएगा कि क्या रूल है? अरुणा मैम, आपको तो बहुत सारे चांस मिल गए, किसी और को भी बताने दीजिए। गीता मैम चलिए, आपने लास्ट टाइम भी हाथ खड़ा किया, बताया नहीं। सर, कैंडल 60% ऊपर ये होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसके बाद और रेफरेंस पॉइंट में बना तो इट इज गुड साइन फॉर बाय और सेल। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी जोन इटसेल्फ ना, तो सिटी जोन तो खुद ही रेफरेंस पॉइंट है। यस सर, एब्सोल्युटली। तो क्या यहाँ पे बना हमारा सिटी जोन का ट्रेड? अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस कैंडल, चलो इसको मैं मान लो कि ये तो फिर भी वो थी, ये रेड वाली जो कैंडल है दिस इज 100% अबव, ठीक है, अबाउट, मैं यस कह सर। सकता हूँ इसके ऊपर लाइन लगा लीजिए, क्योंकि तो सिटी जोन है ना, एक बार कोशिश तो करेगी, ऊपर निकल गया तो एक बार कोशिश करेगी, भाई पहले सलामी तो ठोक, बिना सलामी ठोके कैसे जा रहे, उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए। तो हर चीज अगर आप देखोगे, बंद चार्ट है तो ठीक है चलो इजी लगता है, जब देखो फर्क क्या होता है बंद चार्ट और चालू चार्ट में, क्या फर्क बंद होता है? बंद चार्ट इज लाइक एक स्नेक है, मरा हुआ है, मरे हुए स्नेक से कौन डरता है? कोई भी नहीं डरता, हर बंदा पॉलिटिशियन बन के हर बंदा वो करके अपना अपना वो कर देता है। एक्चुअली चलते हुए चार्ट में भी चीजें सेम ही होती है, लेकिन वहां पे आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा लगा होता है, वो पैसा बार बार माइनस प्लस दिखाता है, वहां पे आप डरते हो तो उसको देखना ही छोड़ दो। अगर यहाँ पे है, अगर आपके अंदर इतना आपको पता है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, आपको अगर लगता है कि ऐसे होगा, और अगर आप इसके ऊपर रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर रिस्क ले रहे हो इस कैंडल के ऊपर, जब तक तो ये वाली कैंडल जब तक तो बनी नहीं थी, तो इसका ट्रेड प्लान क्या होगा मेरा? इसका ट्रेड प्लान ये होगा कि मैं इसके ऊपर बाय करूंगा और सीडी जोन के नीचे थोड़ा सा बड़ा है ये, सेल कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और आपको 80 पॉइंट्स का ही असर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटी वाली कैंडल है ये यहाँ पे आई है बस, तो आई। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको पता है कि भैया मैं 80 पॉइंट्स यहाँ पे रिस्क ले रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप 80 पॉइंट दे सकते हैं तो ही आप ये ट्रेड लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप 80 पॉइंट नहीं दे सकते, सर ने तो 70 पॉइंट बोले हैं तो मैं ये नहीं लूंगा, तो वो आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स गेम के कभी नहीं बदलते। अब में और चलती हुई मार्केट में सिर्फ ये फर्क होता है, चलती मार्केट में आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा, और ऐसा भी चांस है कि ऐसा ना भी हो, देर इज अ गुड चांस कि ऐसा ना भी हो, ठीक है जी। चलिए, कोई और प्रश्न है क्या? पर ये लॉट साइज का भी थोड़ा, मतलब हम कितना एरिया, कौन से एरिया पे कितना लॉट साइज ले सके, अभी जब हाई पे आ गया मार्केट तो, सर और मतलब जनरली मैंने अभी अभी बताया था ना सर, ये किसी और ने जब प्रश्न किया था तो मैंने बताया था कहाँ पे किस तरीके से लेना है, कोई लिख के आपको नहीं दे सकता कि आपको, आप कितने पैसे गंवाने के लिए एक दिन में तैयार हो? अगर आपको लग रहा है कि आप 5,000 रुपये गंवा सकते हो और आपको नींद आ जाएगी रात को, तो आप 3 लॉट उठा के चलिए आराम से, बट आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी जगह हो। हर जगह हर उसमें एक अलग अलग तरीके के ट्रेड्स होते हैं,
तो आपको जिस ट्रेड पे लगता है कि इस ट्रेड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, ये क्या करता है सर, ब्रह्मास्त्र वही उस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है, ब्रह्मास्त्र आपको क्या कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है इसके ऊपर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि भैया अगर यहाँ पे ये जब ये वाली कैंडल बनती है, तो ये वाली कैंडल बनी है इस पूरे एरिया के अंदर, शेषनाग जी ने आपको बाय दिया, उसमें से जिस बंदे को अपने पे यकीन होगा वो उस ट्रेड को यहाँ तक भी ले गया होगा, जिसको नहीं यकीन होगा उसने 70 पॉइंट लेके भी छोड़ा होगा। तो दोनों तरीके के ट्रेड्स अवेलेबल थे, कौन किस तरीके से कितना विश्वास लेके करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। और एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं, एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा देर में। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप न्यू भी हो, ठीक है, अगर आप मार्केट नए हो, तो आपको पहले अपना मेंटल स्थिति सुधारना पड़ेगा। मेंटल स्थिति कब सुधरता है, माइंडसेट कब सुधरता है, मेंटल स्थिति माइंडसेट कब सुधरता है सर। मैं लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जब आप अपना जो डीमैट है ना उसको ग्रीन कलर में देखते हो, ग्रीन कलर में जब आप देखते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 1:1 लो, कभी भी कोई भी ट्रेड ले रहे हो 1:1 लो, 80% 90% चांस है कि 1:1 आपका होगा ही होगा। ठीक है सर, तो अगर आपको नहीं क्या है, 1:1 लीजिए और छोड़ दीजिए, जब आपको आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आप अपने लॉट बढ़ाते जाइए। अगर 1:2 करना है तो ये आधा लॉट बुक करके एसएल को शिफ्ट करके छोड़ देना। एब्सोल्युटली। अब सर देखिए, जितना जो रिस्क लेता है ना उसको उतना वो मिलता है। अब यहाँ से दिख रहा है मेरे को, घर की पौड़ी चालू हुई है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये, मैंने पहले 5 मिनट को क्या बताया था, ये वाली कैंडल को देखिए जरा ध्यान से, देखिए इस कैंडल को, इस कैंडल का क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन डाल दीजिए, इसके नीचे एक लाइन डाल दीजिए। अगर इस कैंडल के अंदर आप इतनी देर आपने वो किया है, यहां तक आपने किया है, इनसाइड रहा ना बाजार, यहाँ से यहाँ तक इतनी देर इनसाइड रहा, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे ऐसे डाल के छोड़ दीजिए, सिंपल सा है। अगर जिसने ये सिंपल सा किया होगा उसको कितने पॉइंट मिले होंगे, यहाँ से 500 पॉइंट के आसपास अवेलेबल थे। 500 पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डबल भी हो गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र आपको सिर्फ इतना हेल्प कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि बाजार का क्या वो है, कैसे चल रहा है ना। करेक्ट करेक्ट सर, अच्छा है। ठीक चलिए ठीक है सर, तो रवि सर को मौका देता हूँ सर। रवि सर, सर, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर ये एको आप हमें भी सुनाई दे रहा है। सर वो मेरे ख्याल से सर का बाइक से ही आ रहा था, तो उनको मैंने म्यूट किया, सज्जन सर के। अभी देखते हैं सुजन सर, थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ रवि सर, हाँ रवि जी बताइए सर। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस लाइन दैट इज फॉर्मिंग दैट वीक लो एंड वीक हाई एंड इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग आल्सो अनलाइक अवर गोल्डन जोन आर सीडी जोन। व्हेनेवर वी रीच दैट प्लेस वेदर वी हैव टू इमीडिएटली एग्जिट और सीडी जोन तक आ गया तो एक बार तो एग्जिट ही कर लेता हूँ मैं। बट देन वीक लो इज ऑलवेज मूविंग डाउन फर्दर 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 ऑल्सो। सर दिस वीक हाई एंड वीक लो आर एक्चुअली योर लोज एंड हाई पॉइंट्स, ओके। और यस दिस ओके इन माय चार्ट अगर आप देखोगे तो इसको क्या लगता है कि सिस्टम को ये लगता है कि दिस लो इज वीक दिस हाई इज एक्चुअली आर वीक हाई। वीक हाई मींस देर आर चांसेस दैट इट कैन बी ब्रोकन। एंड ये इट इज कंटिन्यूअसली सर, इट इज मूविंग आल्सो। यस, इट विल मूव अप और इट विल मूव डाउन बेस्ड ऑन दिस। यू डोंट आई डू नॉट टेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन दिस, बट इफ इट इज वीक हाई इज रिटन हियर ना, दैट मींस आई विल अज्यूम दैट इफ आई हैव टू टेक अ बाय ट्रेड इवन फ्रॉम हियर आई विल नॉट हेजिटेट, ओके ओके। दिस विल गो अपसाइड एंड आई विल इजिली कैन मेक माई टारगेट। इफ द स्ट्रॉन्ग लो इज देयर, लो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग लो मीन्स इट हैज बीन टेस्टेड वंस सम टाइम इन द पास्ट, ओके। सो द अज्यूम दैट सेकेंड टाइम इवन इफ इट इज टेस्टिंग इट विल नॉट गो डाउन, सो इट हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग। सो इफ आई हैव टू टेक अ
short from here, then I'll be very, very careful. Even if I am in short, I can, I should exit there. Yes, yes, Okay. yes. Okay. Whereas if it is weak, I can still wait for some price Yeah, action. you can take some risk. Okay. That's all, sir. Thank you so much. Perfect, sir. No worries. ओके जी, कोई और प्रश्न है तो बता दीजिए, वरना फिर कुछ अच्छा चीज शेयर करूंगा आपके साथ। सर आप एक बात कर रहे थे ना पंबन जोन के बारे में, 12 बजे के बाद कुछ आप बोल रहे थे वो, और बीच में शायद कट गया था। क्या रहता है 12 बजे के बाद वो रेफरेंस वीक हो जाता है पंबन जोन का? और यस सर, यस सर, यस सर। सो दिस इज द पंबन जोन हियर। पंबन जोन का क्या रहता है ना सर, जितना टुवर्ड द अर्ली ऑफ द डे इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आफ्टर 11 और 12 PM देन यू कैन टेक सम काइंड ऑफ रिस्क। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज इन इफेक्टिव नाउ, बट जो अब जैसे ये ऊपर जाना है यहाँ से, अगर ये यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे ही मैं इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा होता, तो देर विल बी अ रिजेक्शन। अगर वो रिजेक्शन नहीं, अगर 12 बज गए हैं या 12:30 बज गए हैं, ये मूव कब आया? इट इज ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास, राइट? हाँ, 12:30 के आसपास। 12:30 को जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो 10 o'clock के स्ट्रेंथ का आधा होगा या इतना कम हो जाएगा, मतलब देयर इज नो वे टू नापने का तो अपने पास कुछ है नहीं ना, बट इस वक्त जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। और ड्यूरिंग द यू नो फर्स्ट हाफ, लेट से 11:30 और टिल 12, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी अच्छी होती है। तो इसका रिजेक्शन अगर 11 बजे, आप 10 बजे, 9:30 बजे, बहुत अच्छा ये रिजेक्ट करता है तो वो नीचे ही जाता है, लेकिन 12 बजे के आसपास देर इज अ चांस कि ये उसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके थैंक कोई और हो? अच्छा, मैंने पिछले डालने देख लीजिएगा, इस तरीके से ये काम करता ओके सर थैंक यू। है। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल से वही है, क्योंकि इसका पम्बन जोन कहाँ पे होगा? इसका पम्बन जोन यहाँ पे होगा, ये इसका पम्बन जोन है। ओके, इस दिन का तो इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि ऊपर से आया, जब फर्स्ट टाइम इसने नीचे की तरफ आया पम्बन जोन में फंस गया, ठीक है। इसने ये भी क्या टाइम चल रहा है, ये 10:30 के आसपास का टाइम है, तो नीचे गया तो भी उसने, मतलब खैर ट्रेड तो नहीं बना, क्योंकि ये जो ब्लैक कैंडल है ये पम्बन जोन के अंदर ही है, तो जब इससे 60% नीचे आई तो इसके नीचे बनेगा, तो इसने एक्चुअली ब्लू लाइन भी खींच दी कि ब्लू लाइन के नीचे सेलिंग है। ओके, लेकिन पम्बन जोन ने देखिए अभी कितने इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ गया रोक लिया, फिर नीचे गया फिर रोक लिया, फिर यहाँ गया यहाँ गया। अब ये कितने बजे गिरा है ये वाला, अगर आप कैंडल देखोगे अराउंड 1 o'clock के आसपास, राइट? तो 1 o'clock में जो उसकी स्ट्रेंथ थी बहुत ही कम हो गई, और क्या गिरा है मस्त, ये बताने की कोशिश। तो इसका मतलब ये भी पता चल रहा है ना सर यहाँ से ट्रेंड की, ये सेलर्स बार बार उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पंबन जोन में बार बार हिट कर रहा है, तो वी शुड बी केयरफुल। हाँ राइट, अगर देखिए वी मेरे को शुड बी अगर केयरफुल। हाँ, ये जैसे बहुत बड़ी कैंडल बनी इसमें काफी लोग ट्रैप हो गए, अगर ये एक रेफरेंस मिल रहा था तो वी कैन आइदर एग्जिट और वेट हाँ बिफोर। यहाँ पे राइट 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 राइट, यहाँ पे मेरा कोई बाय का बन ही नहीं रहा था। अगर बाय भी है तो मतलब इट्स नॉट दैट गुड बाय, बट ये अब ये इतनी बड़ी कैंडल है इसको, ये तो मैं होता तो मैं भी फंसता ही फंसता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात पता है कि ये जो जोन है, जो मेरे में हम 10% में और बाकी की दुनिया में जो फर्क है, हमें ये पता है कि अगर ये वाला, अगर मान लीजिए आप एसएल भी रखना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बाय क्या होगा, हमारा एसएल भी यहीं पर ही रहेगा कहीं पे, अगर आप बाय साइड में हो तो, क्योंकि ये तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है ये बार बार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं तो बाय बना ही नहीं है, राइट? एक बाय यहाँ पे बना था, ये 1:1 अगर आपने लेके छोड़ दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना अगर इसका भी आप ये देखिए कि इसका भी अगर आप वो लोगे तो ये यहीं पे ही इसका ऐसे लाता है, यहीं पे कहीं पे आते हैं। और मुझे ये पता है कि पंबन जोन अगर 1 बजे के आसपास तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो फिर अच्छे चांसेस है कि नीचे जाएगा। सर इसमें एक ऑब्जर्वेशन किया है सर, आप वो इंटरनल एसएमसी स्ट्रक्चर है वो एनेबल करिए, उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, यस। सर, वो एक बार एनेबल कीजिए, वो इधर पे आया था तो उसके उसका ऊपर हम नीचे थोड़ा, जाएगा तो ले सकते हैं क्या? नहीं, उसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तब उसको आप यूज कीजिएगा, अभी उसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि
उसके लिए ना हमें और भी चीजें देखनी होती है कि वो COCH कहाँ पे यूज करना है। ये हाँ सर, ब्रेक ये ऑफ देखिए इधर पे आए हुए हैं। स्ट्रक्चर आता है ये, लेकिन इसको यूज करने के लिए ना नो और भी सर, कुछ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है सर। हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर ये आ गया। ये नहीं लेकिन बताओ वो जब कैंडल बन रहा था ना, तो ये बड़ा वाला कैंडल रेड था, बाद में जब ये ग्रीन कैंडल है ना वो नीचे गया, उसके बाद ही ये ब्लैक हुआ। स्टार्टिंग में ही ब्लैक कैंडल नहीं बना था, नेक्स्ट एब्सोल्युटली। कैंडल में ही बना था। ये जो कैंडल है या कोई भी कैंडल, ये जो इतनी बड़ी जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल का कलर ब्लैक कब होता है? ओ एन एस। जब ओ बनी थी तो रेड थी, रेड रहेगी। जब एन बनी थी तो रेड थी, रेड रहेगी। जब एस बननी चालू होगी, बेस्ड ऑन एस ये बताएगा कि ये है कि नहीं है, ये ब्लैक कलर रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे ये कैंडल बननी चालू हुई, ये कलर ब्लैक हो जाएगा इसका। ये यहां तक आई, एस यहाँ पे खत्म हुआ, इसलिए ये कैंडल ब्लैक रह गई। अगर मान लीजिए पूरी रिकवरी हो जाती और यहां तक आ जाता, तो ये कैंडल ब्लैक दिख रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्लोज होता ये कैंडल वापस से रेड हो जाता। ये लास्ट टाइम भी बताया था ना मैंने आपको। यस सर, लेकिन अगर आपको इस पे अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड लेना है, ओके, तो जब ये कैंडल खत्म हो गई है, जब ये कैंडल बनी खत्म हो गई है 13:30 पे, उस वक्त ये ब्लैक कलर जो इसका आ गया, नाउ दिस ब्लैक कलर विल नॉट चेंज। व्हाट यू कैन डू एट दिस टाइम, इसके नीचे एक लाइन लगा लो। जब ये अब ये तोड़ेगा तो हम बैठेंगे, जब नहीं तोड़ेगा तो नहीं बैठेंगे। ठीक है मैम। यस सर, यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। ना काफी सारी कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीजों को ना थोड़ा सा ऑटोमाइज भी करें। तो कुछ है ये बहुत पुराने पुराने हैं, कुछ नए लिखे हैं। जैसे ये वाला भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, GSLV बिलो शेषनाग जी। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो शेषनाग जी है ना, उसको डिकोड नहीं किया जाता जा सकता। तो दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे WMA और MA का एक नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बीच में ही शेषनाग जी रहता है। अगर WMA यहाँ पे चल रही है और एक MA यहाँ पे चल रही है, तो मैं इन दोनों को देखूंगा, तो ये मान के चलता हूँ कि शेषनाग जी बीच में चल रहे हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग कि थोड़ा सा अपने को हेल्प करे। जैसे अभी ये वाला जो मैं बनाने की कोशिश की है, इसमें क्या बनाने की कोशिश की है कि जो शेषनाग जी के नीचे हैं स्टॉक्स, ओके, और वो उसके अंदर है, मतलब कि जिसको मैं बोलता हूँ कि बाय, मैं ढूंढ रहा हूँ एक GSLV कैंडल अगर बनी है शेषनाग जी के नीचे, तो वैसी कैंडल्स को मैं ढूंढने की कोशिश करूँ। जैसे TIL दिखा रहे हैं इसके अंदर। अच्छा वो तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये मेरे को हेल्प करेगी कि अगर मेरे को स्विंग के लिए कोई पकड़ना है। तो मैंने कुछ आपको ट्रेड्स भी दिए थे इसके ऊपर ही, सेम चीज के ऊपर। क्या नाम था उसका? TIL। अच्छा इसमें तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ये देखिए। लेकिन लास्ट कैंडल क्या बनी थी, जब ब्लैक कैंडल बनी तो कितना गिरा, जब ये बनी तो कितना। अब ये सेम चीज, हालांकि इसको कोई एंट्री वगैरह मत लेना, मैं सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम ही चीज होता है। कभी भी मोमेंटम स्टार्ट होगा ना, तो अब वहां से आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ से उठाने की कोशिश कर। ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला क्या था इसके अंदर, ध्रुव। मैं ध्रुव को देखता हूँ ये आपको, लेकिन रोज जिसको मेहनत करनी है उसी के लिए है ये चीज, हर किसी को नहीं होगा। ध्रुव कंसल्टेंसी, ये भी 100 रुपए का स्टॉक है। इसमें इसने क्यों दिया है वो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ
हालांकि यहाँ पे मैं कुछ तो देखा होगा, मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये बनेगा, मतलब 20% का इसमें कैश का स्टॉक है, 123 तक मैं इसको देख रहा हूँ। ये पता नहीं किसी और से मिला होगा, इससे मिला होगा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन के ऊपर इसने चोर कैंडल बनाई थी, बेस्ड ऑन दैट मैंने ये रखा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर दिखेगा कोई अच्छा सा तो बताता हूँ कि मैं एक्चुअली कोशिश क्या कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये कोशिश कर रहा हूँ ये ढूंढने की, इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि 100% आपको मिलेगा। मेरी कोशिश है यहाँ पे कि कोई भी मेरे को शेषनाग जी के नीचे एक GSLV मिलनी चाहिए, तो ये GSLV मैं ढूंढ के, ये ट्रेड मैंने बनाया था, यहाँ पे मैं 12% ढूंढ रहा हूँ, 4% का मेरा रिस्क है कि इसके ऊपर जब निकलेगा तो यहाँ तक जाना चाहिए। तो जो लोग स्विंग के अंदर काम करना चाहते हैं ना, उनको ये चीज बड़ा हेल्प करेगी। यहाँ पे ऊपर से जब ये एक बार ब्लैक कैंडल बन गई थी, तो ये नीचे GSLV इसको लेके आ गया, तो यहाँ पे अभी हमारी GSLV की बाइंग साइड की कैंडल्स बननी चालू हुई है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में ढूंढने की कोशिश करूँ, तो ये जिसको चाहिए मैं दे दूंगा। मैस्टेक में भी कुछ बन रहा है क्या? बट अगेन ये अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर 100% नहीं है, अगर किसी को आता है तो आप देख सकते हो। हाँ यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो शेषनाग के पास जब प्राइस आता है तो जैसे आपने बताया अभी कैंडल रेफरेंस नीचे बनती है तो डिसीजन लेने में थोड़ा तकलीफ होती है अभी। इफ यू नहीं वर्क ऑन दिस ना, दिल बी रियली ग्रेट। मैं तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा कोई अगर हिम्मत करे, आपके पास सारे सूची तो है ही ना आपके पास, मैंने तो कैश डाले थे, मैं तो निकम्मा हो गया हूँ अभी। ये एक तो IPL चल रहा है, एक तो मेरा ऑफिस का काम इतना ज्यादा है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैं यहाँ पे सारे के सारे ये डालूंगा कैश वाले, और चेक करो इसको, मैनुअली चेक करो, तो वो हर कोई तो मैनुअली चेक नहीं कर सकता। ये देखो, अगर ये रखिए ना सर, अपॉर्चुनिटी, मैंने यही ये वाली मेहनत। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है, जो बंदा सिर्फ ढूंढ रहा है कि पैसा मिले, ये देखिए एग्जैक्टली यही चीज मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें खैर अब नहीं बन रही, यहाँ पे भी बनेगा, एक यहाँ से बाय का इसका बनेगा, लेकिन ये देखिए मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होता तो ये कितने प्यार से 14-15% कैश में, बताओ, और कितने दिन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन के अंदर, 7वें दिन के अंदर 15% आपको देके जा रहा है, कितने प्यार से। तो थोड़ा सा आप कीजिए इसके ऊपर, और थोड़ा काम करूंगा, अगर कुछ और मिलेगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है। बट ये मेरी एक वो है कि इस तरीके के मैं थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ अंजलि मैम को भी, कि यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा तो मैं इसको दे दूंगा, आप सभी लोगों को दे दूंगा कि इसको यूज कीजिए। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा संजोग बनाता है यहाँ पे, ये देखिए शेषनाग जी के ऊपर, पूरा ऊपर नहीं है, मैं तभी भी इसको ले सकता था, जाने दीजिए यहां से। इतना गया, 52 से कहां तक गया, सोचिए आप, डबल हो गया ना, ऑलमोस्ट 90 तक गया। अच्छा ये थोड़े छोटे वाले स्टॉक है, ये देखिए जब भी जहाज उड़ता है। चलिए एक और प्रश्न है, हाथ रेस करके, उसके अंदर दो चीजें यूज होती है, V1 V2, एज पर द एयरलाइंस गाइडलाइंस ये बोलना पड़ता है कैप्टन को या फर्स्ट ऑफिसर को कि V1, फिर बोलना पड़ता है V2। किसी को पता है इसका क्या मतलब होता है? विपुल सर तो पायलट है मेरे ख्याल से, वो अगर होंगे तो वो बता देंगे। हाथ स्पीड से सर ये खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा करके, क्योंकि अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मुझे लगता है ज्यादा लोग है ही नहीं जिनको पता ही है। हाँ किसने बोला था स्पीड है ये? सर, मैं आई एम ऑन मोबाइल, आई एम एयरक्राफ्ट इंजीनियर सर, संजय बोल रहा अच्छा हाँ सर, जो एयरक्राफ्ट जो वाले हैं वो तो जानते हैं। तो V1 क्या होता है सर, कि V1 होता है कि वो स्पीड जिस स्पीड के बाद आप फ्लाइट उड़ सकती है, ठीक है। और हाँ V2 क्या हाँ होता है, V2 होता है कि जिस स्पीड के बाद आप फ्लाइट को, जो उसका जो टेक ऑफ है उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते,
मतलब अगर अगर V2 बोल दिया पायलट ने, फर्स्ट ऑफिसर ने, सॉरी पायलट नहीं बोलता, फर्स्ट ऑफिसर बोलेगा, अगर उसने V2 बोल दिया तो किसी भी कीमत पे वो उस जहाज को जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। ओके, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे, पहले टैक्सी होती इट इज है 140 अप्रोक्सीमेटली 140 नॉट्स। नॉट्स। तो अभी क्या होता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, पहले आपको टैक्सी होती है, फिर आपको रनवे मिलता है, आप स्पीड में भागते हो, फिर V1 आता है, फिर V2 आता है, फिर आप 34,000 किलोमीटर, 34,000 फीट ऊपर जाके उड़ते हो पूरे टाइम, राइट। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर आप समझोगे तो ये भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे आपने एक लाइन ऊपर डाली, यहाँ पे आपने एक लाइन नीचे डाली, आपको पता है कि जब इतनी बड़ी कैंडल है, GSLV एस कैंडल आई है, तो वो कैरी, जब तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है, हो रही है। आप कभी भी ये देखिएगा कि कोई भी एक वो आएगा ना, एक किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं ट्रेंड, अगर जब भी आएगा, कभी भी नीचे वाली कैंडल ऊपर वाली कैंडल का लो नहीं तोड़ेगी। मतलब जैसे ये है, पहली GSLV बनी, इसका हाई ये है, इसका लो ये है, इसका हाई कभी नहीं तोड़ेगी, नीचे बनेगी, इसका हाई ये, इसका हाई ये कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ेगी, ऊपर इसका ऊपर डाला, इसका नीचे डाला, ये वाला कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ेगी। लेकिन जब भी एम चेंज होगा, मतलब कि एक नया वो होगा, अभी ये क्या है, ये इनसाइड कैंडल है, मेरे ख्याल से सेम सेटअप में हम दो या तीन हम लोगों ने वो कर लिए जब से हम लोगों ने क्लास शुरू की है, राइट। ये डाल दीजिए इस तरीके से, क्या हो रहा है, इनसाइड कैंडल है, क्या हो रहा है, इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड कैंडल के अंदर मुझे ब्लैक कैंडल नहीं दिख रही, मुझे तो GSLV बाई साइड की कैंडल दिख रही है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टैक्सी करो। ये कैंडल क्या बोल रही है कि रनवे पे पहुंच गए, ठीक है। ये कैंडल क्या बोल रही है कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, V1 V2। तो इट इज अ, मैं ये नहीं कहता कि इस जैसे यहाँ पे मूव मिला है आपको हमेशा ऐसा मूव मिलेगा, बट अगर आप इस ट्रेंड के अंदर बैठे हुए हो, तो इसने कितना प्यारे तरीके से आपको बता दिया कि ये निकलने वाला है। और क्या चाहिए आपको मार्केट में, यही तो समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए क्या है, आपको टाइम बिताना पड़ेगा। अभी 60-70 लोगों से स्टार्ट किया था, 56 लोग रह गए, बाकी लोग क्यों, अरे सर ने कोई वो थोड़ी देना, टिप्स थोड़ी देना, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप नहीं फॉलो करोगे मार्केट को, तो मार्केट आपको कैसे फॉलो करेगी। सर मैंने एक GSLV का स्क्रीनर बनाया है, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ सर, को बताइएगा, मैंने भी ये बनाया है, उसमें मुझे GSLV कैंडल मिल जाती है, लेकिन GSLV कैंडल मेरे को नीचे चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे GSLV कैंडल आई तो मेरे को मजा आएगा, ये आई तो मजा आएगा, ये यहाँ पे चाहिए। अगर यहाँ पे बनाए तो मुझे नहीं, ये पता नहीं कितनी देर के बाद बनेगा, निकल चुका है जब तक जहाज, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे टैक्सी कर रहा है जहाज, मुझे टैक्सी जब कर रहा है ना जहाज, तभी मेरे को चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग, मैं इसका ट्राई करता हूँ सर, आपको पिंग करूंगा मैं। हाँ सर, मैं भी ये जिसको अगर थोड़ा हेल्प करेगा तो मैं अपने वाला शेयर कर देता हूँ, जो मैंने निकाला है ये कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी बनेगा तो मुझे एक बात बताइए, कितना टाइम लगता है, आप एक संडे के अंदर आप बैठ जाइए इस पे, एक एक मिनट ही तो लगेगा, यहाँ पे टच किया पता लग गया ये बन रहा है, इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा है, इसमें कोई सेटअप, इसमें बन रहा है कोई सेटअप, इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा है, बस वो, हाँ ये बन रहा है सेटअप देखिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी, क्या क्रिप्टो कहाँ से आ गया भाई, मैंने तो इंडियन स्टॉक डाले थे। चलिए, तो आपको कितनी देर लग रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आप बैठना नहीं चाहते हो। ये देखिए, GSLV बनाया ना इसने यहाँ पे, कोई भी V1 V2 के बिना कौन सा जहाज उड़ रहा है, कोई जहाज नहीं उड़ रहा, ये है कि हमें देखना नहीं आ रहा, ये बनाया ना इसने। और सेम तरीके से ट्रेड करो, चलो कोई भी वो होते ना कॉम्प्लिकेशन, सारी हटा देता हूँ मैं, ये SL है, यहाँ पे एंट्री है। अगर आपने ये लिया होता, अगर ये देखा होता आज से 5-6 दिन पहले, 34%, 1 लाख रुपए लगाए होते तो 34,000 रुपए आपके बन गए होते, क्या मुश्किल है। हालांकि जैसे अभी यहां भी बना, मैं यहां पे नहीं लूंगा, क्योंकि ट्रेन में बैठना है तो स्टेशन से बैठेंगे ना, बीच में थोड़ी बैठेंगे, और कितना टाइम लग रहा है देखने में, एक क्लिक होती है, क्लिक होने के बाद ये देखिए, करिए तो बहुत ऊपर बना था,
नीचे इसने ज्यादा इशारे नहीं किए, वरना यहाँ से भी करेंगे तो आपको, चलिए किसी ने यहाँ भी ले लिया 14%। आरती, ये तो किसी को दिया था मैंने सेम लॉजिक के ऊपर, कुछ दिन पहले दिए थे ना सेम लॉजिक के ऊपर। क्या लॉजिक था? यहाँ पे शेषनाग जी को एक किसने काटा था। अभी तक कितने परसेंट आ गए हमारे पास? 9%। लिया था किसी ने? ये तो मैंने वहां पे डाला था। सर एक ये हाँ सर, अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। सर, ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का फ्यूचर का चार्ट खोलिए एक मिनट। शानदार है, बताइए। तीन टेक नहीं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ये कौन से डे आ रहा है? फाइव अगर मिनट में सर, 5 मिनट में, 5 मिनट। इसकी किसी को कॉल वॉल खरीदनी है तो खरीद के रख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ बहुत से सर वो निकल गया, वो सीधा एक कैंडल बना था, 15 पॉइंट मिलने थे सीधे, 5 मिनट्स। वो भी सर, ये जो कैंडल बनी है 12 बजे के आसपास, ये देखिए ना सर, ये स्टडी पर्पस, ऊपर सीडी जोन था और सीडी जोन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था मैं तो ये, बट मैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा था, बाय द टाइम ये कैंडल बनी और एकदम शूट कर गई ऊपर, ठीक है सर, निकल गया। बट ऐसे में चलते ही में अगर घुसना है ऊपर, क्योंकि सीडी ऊपर है पंबन जोन और 12 बजे का टाइम है, जैसे आज आपने बताया 12 बजे तक टूटने का, तब भी जा सकते हैं ना, बिकॉज ये धीरे धीरे। सर मैं ना ऐसी पर्सनल बता रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है, दिस इज पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ ना, अगर सिटी जोन के ऊपर कुछ भी एरिया आ जाता है ना तो इट इज अ रिस्की ट्रेड। बट मैं क्या देख रहा हूँ ना, नीचे हर की पौड़ी बनी हुई है, इस कैंडल में भी हर की, तो जो बाइंग मोमेंटम है ना वो बाइंग मोमेंटम आपका चालू हो चुका है, तो ओके ओके लेकिन रिस्क है, इसमें हाँ रिस्क है, रेस्ट ठीक है ओके। अगर वापस आएगा तो फिर आपका एसएल गया, और अगर आप वो एसएल, वही है ना सर कि जो एसएल को प्यार करता है उसी को मिलता है, अगर मैं इसको लेता, अगर मैं इसको देखा होता तो शायद हो सकता है यहाँ पे लेता, क्योंकि दो दो हर की पौड़ी है, नहीं ये तो खैर दूसरी तो बाद में बनी होगी, ये तो थी। वो कहते हैं ना कि वो कॉलेज वाले लड़के भर के लेके आते हैं, भर तो इसने यहाँ पे भर के लेके आया था ये, और ये देखिए इससे पहले भी वो इसी के ऊपर, जैसा कि मैं उसमें बता रहा हूँ आपको स्विंग के लिए बता रहा हूँ, उसी तरीके से जो आपका जीएसएलवी बन रहा है और वो भी शेषनाग जी के ऊपर, बहुत अच्छे संजोग होते हैं इसके ऊपर। हाँ, लेकिन इसमें जब ये जीएसएलवी शेषनाग से ऊपर बना था तो ऊपर एक सीडी जोन थी, सो इस केस में वही फिर रिस्क वाली बात है, रिस्क है, मैं वही कह रहा हूँ ना, रिस्क है। और वो उसने कैंडल वहां सीडी जोन पे लेके नीचे आ गई थी, तो एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या था कि अगर ये वाली कैंडल जो थी ना ये इतनी बन जाती तो मैं इसके ऊपर आराम से ले लेता बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि मेरा एसएल इतना रहता। अभी क्या है कि इस वाली कैंडल पे तो बना नहीं भाई, इस कैंडल पे बना है भाई, और ये कैंडल इतनी ज्यादा चली गई है, इतनी ऊपर 15 पॉइंट, तो टाटा कंज्यूमर में 15 पॉइंट मिल जाए तो मजा आ जाता, हम तो 15 पॉइंट ढूंढते हैं। हाँ, 900 का एक वो है सर इसका। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके अंदर तो 15 पॉइंट इन टोटल पूरे ट्रेड में मिल जाए तो हम लोग वो ढूंढते हैं। अब उसने एक में ही 15, और अगर आप सोचिए, चलिए दूसरी बात, ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अगर आप यहाँ पे लेते तो आपका ट्रेड प्लान क्या होता? नहीं, यहां पे इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि ऊपर लक्ष्मण रेखा आ गई थी। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इन केस आप लेते तो इसका ट्रेड प्लान क्या होता? आप एसएल कहाँ रखते? चलो एंट्री तो समझ में आ रही, एसएल पंबन जोन के नीचे कितने पॉइंट्स होते हैं वहां तक?
ये कम से कम 7 to 8 points थे कि आठ पंबन दस जोन को हजार ही। हाँ जी आठ 10 हजार का SL, और वो भी मेरे ख्याल से, मैं नहीं मानता उसको, मेरे ख्याल से या तो आपको इसके नीचे यहाँ पे रखना चाहिए या यहाँ पे। ओके तो इतना बड़ा SL मैं तो करूंगा ही नहीं ये ट्रेड यहाँ पे इस कंडीशन। राइट मैं सर एक चीज में बिलीव करता हूँ कि सृजन सर 2 मिनट आता हूँ आपके पास। मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि मेरे को ना जिस भी ट्रेड में जाऊं कोशिश करूं कि उसमें मुझे पॉजिटिव ही चीजें मिले, चाहे कम मिले चाहे मुझे 100 रुपए का भी फायदा। ऐसा हुआ है कई बार ऊर्जा में 120 रुपए के फायदे के साथ निकला हूं, बट एक 120 रुपए एक कम कमाना और -120 में बहुत ज्यादा फर्क आता है सर। जो कलर चेंज हो जाते हैं ना आपके डीमैट के अंदर, हाँ बहुत चेंज, जी पूरा दिमाग ही आपका चेंज कर देता है। यस दैट्स ट्रू। तो मैं रिस्क नहीं लेता। मैं रिस्क लेता हूँ जब आपके साथ ट्रेडिंग करता हूँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं लेता। अकेले में करता हूँ तो कुछ जगह रिस्क लेता हूँ, लेकिन वो जो जो मैं रिस्क लेता हूँ ना, अभी ऑब्वियसली हर चीज के अंदर ही एक रिस्क रहता है आपका, लेकिन वो रिस्क के अगेंस्ट में क्या क्या है। जैसे अब यहाँ पे है, मैं अगर यहाँ पे एक रिस्क लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मैं इसके ऊपर हूँ, शेषनाग जी के ऊपर हूँ, नीचे हर की पौड़ी बनी है, ठीक है, और यहाँ पे GSLV है, तो मेरे फेवर में कितने लोग आ गए। मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे फेवर में कितने हैं, मेरे अगेंस्ट में कौन है, सीडीज जोन है। यस दैट्स गुड पॉइंट। तो क्योंकि सीडी जोन और R3 को तो मैं नमस्कार करता हूँ, तो एटलीस्ट मैं अगर यहाँ पे लूंगा भी कोई ट्रेड तो उसका SL यहाँ पे रखूंगा, विच इज अ रॉन्ग SL। माइंड इट इज अ रॉन्ग SL, क्योंकि ये कोई SL नहीं बनता है। लेकिन मैं अगर इस ट्रेड को मैं इस SL के साथ, चलो इस कैंडल के पूरे नीचे की तरफ रख लिया मैंने, मैं ले सकता हूं क्योंकि ये चीजें मेरे को साथ दे रही है, ये चीजें मेरे को साथ दे रही है। तो आप, मुझे पता है कि अगर इसमें मेरा नुकसान भी हो गया तो 10 हजार रुपये का नुकसान होगा, मुझे 10 हजार रुपये का जो नुकसान है एक्सेप्टेबल, इट्स ओके, नॉर्मल सा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं ले लूंगा। लेकिन हम जितने लोग अभी बच गए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, 10 हजार किसी का तो टोटल कैपिटल होगा, अगर कोई नया बंदा होगा तो ही कैन नॉट अफोर्ड दिस रिस्क, राइट तो उसको मैनेज कीजिए। हाँ सृजन सर सर, बताइए आपका क्या हेलो प्रश्न। थैंक वेलकम सर। सर। नमस्कार हाँ नमस्कार पृथ्वी जी। सर, एक बार BTC USD लगाना सर, 15 मिनट टाइम फ्रेम सर वो नाम बताइए क्या क्या लिखो यहाँ पे। सर, BTC USD सर, BTC USD डाल दीजिए सर। बिट सी आई 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 हटाइए सर, BTC USD BTC USD सर। सर फॉल ऑल में कर लीजिए। हाँ सर, फर्स्ट ऑल सर, 15 मिनट टाइम सर। करंट में चलिए, जो अभी चल रही है ना सर। सर हमारा बर्मास्टर कहाँ गया सर? आएगा आएगा, थोड़ा टाइम लगा। लाइव चल रहा है क्या अभी? हाँ सर, सर ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया सर, ये जब भी GSLV कैंडल बनती है उसके बाद एक येलो कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक GSLV कैंडल बनती है, तो सर वो 1:4 से ऊपर ही टारगेट देता है सर। जैसे ये अंगद के पाँव पे सर, ये नेक्स्ट में सर ये एक GSLV रेड है, फिर येलो है, फिर GSLV है सर, ये राइट 1:4 के ऊपर ही टारगेट देता है सर ये हमेशा। चले भाई, बाकी लोग भी देखना यार, ये तो बहुत अच्छा है। ये करंटली अभी सर ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो मैं सोचा लाइव सर को बताता हूँ सर। इसमें देखिए एक एक पैसे का वो है, शायद 1 पैसा नीचे आया है इसमें, अदरवाइज ऊपर तोड़ा और अच्छी तरीके से टारगेटेड तोड़ा, सर, टारगेटेड टारगेट हिट है। यहाँ पे देखिए आराम ये से, ये डाउन आ रहा है अभी भी यहाँ तक आना चाहिए इसको ना, आराम से आएगा। सर। सर सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कम से कम 66 ट्रेड कीजिए ब्रह्मास्त्र को समझने के लिए। थैंक सर, यू प्रतीक सर। थैंक यू हाँ सर। सर, सर ये BTC और फॉरेक्स में 15 मिनट के चार्ट लगा के चेक करें।
सर प्रत्येक सर ही बता सकते, मैं करता सर नहीं। मैं तो सर जिस पे अच्छा सेटअप बनता है सर, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, सेटअप के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। जैसे इसमें ये एग्जैक्ट सेटअप बन रहा था 15 मिनट्स पे, तो सर यहाँ पे वो ट्रेड पांच ले मिनट लेंगे पे भी काम करता है ना ब्रह्मास्त्र, सर। मैंने हाँ वो पेपर सर ट्रेड एक करी है इस पे, बिटकॉइन सर 1 मिनट को भी पे काम भी, करता है फॉरेक्स सर। पे भी। हाँ सर फॉरेक्स पे और बिटकॉइन पे भी, तो गोल्ड मैंने में 1 मिनट 5 मिनट में पे भी ही करता है। शानदार काम करता है सर। वही पूछ रहा था कि अगर ये हम 5 मिनट पे भी करें, 5 मिनट पे मेरे लिए बेटर काम करता है, मैंने पेपर ट्रेड ही करी है। अब सोच रहा था सर सर थोड़ा सा मैं फॉरेक्स शुरू करूँ। सर ये जो सर ने जीएसएलवी क्विंडल का जो कॉन्सेप्ट दिया है सर, फोरेक्स में सेम इसी कॉन्सेप्ट का सर, पर मंथ में भी 4 to 5 thousand चार्ज है सर, जो हाँ सर ने फ्री में प्रोवाइड करा रखा है ना सर, जो अरे ये सर ने जीएसएलवी बहुत का। बढ़िया ब्रह्मास्त्र जो दे दिया शुरू से अब तक, मैं बता तो रहा हूँ, मैं सीख रहा था, अब मैं कुबेर बाकायदा सिखा देता हूँ लोगों का खजाना है सर। को। नहीं बढ़िया है, तुम सिखाई हाँ एक बंद थैंक यू वेदर। हमारी वजह से। वेद हेलो, हाँ सर आप बोल रहे थे ना वो जो उसके लिए जो आप हमें चैटिंग में जो भी मिलना चाहिए अच्छे से, वी हैव टू गेट एट द बॉटम जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए RSA का ओवरसोल्ड जो है ना वो यूज कर सकते हैं। जनरल ओवरसोल्ड ओवर बॉट में हमें जो है ना बॉटम आउट होते हैं और रिवर्सल ज्यादा होते हैं वहां से, 30 RSA 30 से रिवर्सल सर जो मैं, मेरे को आरएसए नहीं, आरएसआई नहीं पता, मुझे एलियट वेव नहीं पता, मुझे नो एमएस नो नहीं। RSA हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसके हिसाब से स्टॉक फाइंड आउट करके वो उस पे चेक करेंगे जैसे। मैंने हाँ मैंने पब्लिक ग्रुप के ऊपर ये वाली स्क्रीनर डाल दिया है, हाँ जिसको भी इसको डेवलप करना है कीजिए और ठीक है करके ठीक वापस दीजिए सबके लिए, है ठीक है सर, ठीक है मैं चेक ना। करता हूँ उसके बारे में, थोड़ा हाँ मैं सर रिसर्च देखिए, मैं ये नहीं बोलता करता कि हूँ। आरएसआई काम नहीं करता, एमएसडी सब कुछ काम करता है। मैं चाहता हूं कि जैसा जो मुझे आता है वही मैं आपको बताऊं, ठीक है। मेरे को कंप्यूटर लाइन में काम करते हुए 20 साल हो गए, आप कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा। आप कोई दूसरी चीज के बारे में पूछोगे ना, मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो फील फ्री, मैंने वहां पे डाल दिया। आपको लग रहा है कि मेरे को क्या एंड रिजल्ट जो मेरे को चाहिए वो मेरा एंड रिजल्ट आना चाहिए, आप चाहे उसमें मैंने WMA का ट्राई किया है, आप कुछ और लगा के भी ट्राई कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे वी विल यूज स्कैनर जैसा यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज फॉर हाँ ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग के नहीं, वो नहीं, फॉर स्कैनर टू गेट द स्टॉक्स व्हिच आर एब्सोल्युटली सर, सो बॉटम। इट इज इन पब्लिक ग्रुप नाउ, वहां पे ठीक जाके व्हाट एवर मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू, जब आपको ओके लगे सर, कि यू आर डन आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे उसको। ठीक है सर। चलिए जी, नथिंग मोर फ्रॉम माई साइड, वन लास्ट। अच्छा, जिसने भी सही जवाब दिया था प्रश्नों का आज डीएम कर देना, क्योंकि मैं कल सुबह सारी डायरीज डिस्पैच करने वाला हूँ, और जो शाम तक नहीं करेगा फिर उसके लिए सुनी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो मेल आईडी ना सर, यार डायरी मेल आईडी पे कैसे आएगी, घर का आईडी चाहिए ना, इसलिए मैं डीएम करने के लिए बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मैसेज कर देना, आपका जो भी घर का पोस्टल एड्रेस है, इंडिया पोस्ट से मैं कल डिस्पैच करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिसने सही आंसर दिया है मुझे बता देना। और एब्सोल्युटली राइट सर, राजेश जी एकदम सही है ये। अरे एक चीज, जैसे अभी सर बता रहे थे ना, एक चीज तो मैंने देखी है कि कभी भी जीएसएलवी बन गया ना, 5-10% अगर आप डरते भी हो ना मार्केट में, 10% पे निकल जाओ। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, 10% टारगेट तो 10 में से 8 बार, 8 से 9 बार देता ही देता ही है। सारे रूल्स भूल जाओ, जैसे ही बन जाए जीएसएलवी, शेषनाग जी को कट करता हुआ शेषनाग जी के नीचे बैठ जाओ बस। बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ से भी बैठ सकते हो आप, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से भी बैठ सकते हो, जाएगा ये। क्योंकि एक ये अटेम्प्ट अगर पहले हो चुका होता है तो अब जाएगा, अगर ये अटेम्प्ट नहीं होता, मान लीजिए पहले ऐसा होता और उसके बाद अब बन रहा है जीएसएलवी, ये वाली मान लीजिए यही जीएसएलवी है, तो फिर फाड़ के जाएगा 145 तक आराम से। बट थोड़ी मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के तो भैया कुछ बन रहा है सर ये है जी। ऐसी ऐसी बैंक, ऐसे ऐसे क्या, अच्छा ऐसी ऐसी बैंक में भी यही सेटअप बन।
अब ना डर ही नहीं लगता मेरे को किसी भी चीज से। मेरे को पता है कि ये कैंडल्स जो आपको दिखाती है वो अलग चीज दिखाती है, होता है वो अलग चीज होती है। सर यहाँ पे कहाँ नहीं बनी ना वो जीएसएलवी का है। नहीं सर, अभी मैं देख रहा था एचएलसी बैंक का देख। इसमें भी नहीं बनी है ना। नहीं, वो भारतीय एयरटेल है, भारतीय नहीं, भारतीय एयरटेल। मैं स्टॉक ही चेक कर रहा था, ये भी देख रहा था, भारतीय यूएसएल भी बनी है। अब जिसने यहां से भी लिया होगा उसका भी अच्छा है, अदरवाइज यहां से इसकी बाइंग बनी हुई थी। मैं तो खैर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है भारतीय एयरटेल, मेरे पास बहुत पुरानी खरीद है इसकी, करीबन करीबन 880 के आसपास की खरीदी है मैंने। 800 नहीं, वो 700 कुछ की है, 760 के आसपास की है। जाने वाला है ये। अब जहां पे अगर आपको पता, आप देखिए भागे गए ना, ये सेम चीज बार बार वही चीज तो वो कर रहे हैं। यहाँ पे बने, यहाँ पे ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अंगद संगम बोलिए इसको, ये संगम है, यहाँ पे अंगद का पांव और ये अपना एक साथ बना होता है। तो किसी भी कैंडल पे, ये नवरात्रि जैसा टाइम हो जाता है, किसी भी कैंडल पे आप ले लो एसएल, इसके नीचे लगा लो 2 पॉइंट का, बस 2 या 4 पॉइंट का, नहीं जाता कभी भी। और यहाँ से भी लिया होगा तो कितना मस्त, यहाँ से ले लो। मैं तो कह रहा हूँ इसके दिन के ऊपर, अब ये भी और जाने वाला है अच्छा खासा। अब खैर यहाँ पे निकल चुका है, अगर ये नीचे आके जाता तो बहुत अच्छा था, ये ऊपर से ऊपर जा रहा है तो पता नहीं कितना, फिर वापस आएगा फिर नीचे मारेगा। लेकिन ये जगह थी, ये वाला, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे किसी भी कैंडल के नवरात्रि वाले दिन जिस दिन चाहो उस दिन बाय कर लो। यहाँ पे भी किया हो तो अब तक कितने थे, 9-10%, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मिलते उसी को है जो बंदा मेहनत करता है। मैं थोड़ा सा निकम्मा हो गया हूँ और बुढ़ा भी हो गया हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग मेहनत करो, आप लोग मेरे को बताओ। हो गया मेरा बहुत। ये आईपीएल भी आ रहा है ना, थोड़ा और ज्यादा मैं मैदान था में 18% के आसपास मिल चुका है अभी तक। जादू है जादू। बताओ कहाँ पे एंट्री बन रही थी। इसमें वो वाला रूल भी अप्लाई नहीं होता पता है, कि 60% ऊपर होना चाहिए। अगर जीएसएलवी बन जीएसएलवी गई है भी तो इसमें नहीं होता। हाँ 1196 से। मेरे पास 1207 से पड़ा हुआ है, अभी भी रोका हुआ है। सिनेमा मैन बोल रहे नहीं बेचना है, इसलिए रोका हुआ है मैंने। 20% नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन आ गई ना, वहां पे थोड़ा बुक है। नहीं, मैं मेरा टारगेट एक बार निकल चुका, वो 1250 आ चुका है एक बार, मतलब 48 तक आया था, वो 1448 तक आया था इसका हाई है। जिस दिन इसके अंदर जीएसएलवी ऐसा आ जाए उस दिन निकाल देना। हाँ ये देखो अगर किसी ने यहां से भी लिया होगा, इस वाले उस पे भी लिया होगा, मुझे बताओ एक भी वो नहीं था सीधा, एक भी इनफैक्ट नीचे गिरा है तो भी जीएसएलवी भी एस नहीं आया, यहां पे आके आया। अगर आप इस तरीके के कभी उसमें हो ना तो आप ये देख लेना, अगर नहीं आया तो भी अब ये लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, 1 2 3 4 दिन के, 3 4 दिन बन जाएगी, फोर्थ डे बन जाएगी, लक्ष्मण रेखा बन तो जाए वहां कुछ और तभी के तभी बनी हो तो निकाल दिए। वहां और करा देखो सर, 240 पे जी कुछ आशा वहां करा। पूर्वांकर, कोई स्पेलिंग बताएगा। हाँ, PURAVAN। पूर्वांकर, ये वही है ना घर बनाता है। हाँ जी, हाँ जी, 240 पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी शानदार। इसके अंदर किसी किसी के अंदर तो वो नहीं दिखाई देता शीश नाग जी, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे पता ही लग रहा है ना साफ शीश नाग जी नहीं है ठीक ना, सही ना है ना सही। है, शेषनाग जी नहीं दिख रहे सर इसमें, शेषनाग जी। हाँ वो कई स्टॉक्स में नहीं दिखते, बट हम लोग सेम तरीके से बात करेंगे जो हमने आज बात की है, आज हम कुछ और बात करेंगे भी। ये कैंडल बनी थी, इसको हमने क्या किया, इनसाइड होने लगा दिन, इनसाइड होने के बाद पहली बार क्या बनी,
ये कैंडल ने बनते ही मेरे को क्या बोला, मुझे तो ऊपर जाना है, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, इसने तो सर एंट्री दे दिया मैम। इसने एंट्री दे दी इस, यहाँ पे हर की पौड़ी एक और आ गई और एंट्री पता लग गई, एक एडिशनल यहाँ पे बाय भी आ गया, पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ, और और एंट्री दे दी, कंफर्मेशन हो गई और बिल्कुल। हाँ क्या चाहिए उसके बाद। बड़ा देखिए यही तो ऐसा सर, दो दो 240 में एंट्री ली थी इसमें। बढ़िया है, 240 इज नॉट अ बैड एंट्री, सही है, परफेक्ट है। 240 से 366, मैं तो मैक्सिमम देख रहा हूँ जहां तक गया, सोचिए कितना, अगर आपने वहां पे कितना है, चलो 240 से 58%। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि हर कोई स्टॉक में ऐसा नहीं होगा, स्टॉक चेंज होते जाएंगे, किसी में 58 मिल रहा है, किसी में 18, किसी में 8, बट एक बार जिसको चाय बनानी आती है ना उसको आप कभी भी चाय बनवा लो, जिसको पैसा बनाना आता है ना कभी भी पैसा बनवा। अरुण कुमार जी लास्ट प्रश्न ऑफ द डे सर, बताइए। सर मैंने एक स्टॉक पे एंट्री किया बेजल करके, BAZJEL, BAZ, जे 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 फॉर जापान, जे 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 फॉर जापान, JEL, दोबारा से बोलिए सर, एक करके। BA सर मैंने चैट पे लिखा है वो, BAJJEL बेजल। ठीक है, ठीक है, सर मैंने ये JSLB के बाद एंट्री बनाया है इसपे, तो अभी 2 दिन सर्किट लगा इस पे, कौन सा सेकंड कैंडल से, मतलब यहां से ये JSLB फर्स्ट कैंडल नहीं, सेकंड सेकंड वन, 227 से मैंने, 227 नहीं, 230 से, मतलब जहां पे हाई है ना फर्स्ट कैंडल का, अच्छा ये शेषनाग जी के कैंडल, ऊपर, शेषनाग जी के ऊपर सर, शेषनाग जी के ठीक ऊपर जो पहला कैंडल बना उसके ऊपर मैंने एंट्री बनाई थी, ये वाला इधर नहीं सर, नहीं, सर सेकंड टाइम जब सर, आया था ये जो करंट कैंडल है उससे थर्ड कैंडल, करेंट, हाँ, थर्ड कैंडल, ये हाँ 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 वाला इसके ऊपर मैंने एंट्री ली। जी, बढ़िया। धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ ये ज्यादा सर, मत लग, जी ज्यादा मत लगाइए, 10-10 हजार भी आप लगाइए, लेकिन जो चीज हम बात कर रहे हैं ना उसको अगर आप समझ गए तो इसको ये देखिए कहीं भी रेप्लिकेट कर सकते हो, है ना, जी सर, शानदार सा। कितना हो गया इसमें तो, आपको अच्छा खासा निकल आया होगा। 18%, 18% हो गए, 2 दिन सर्किट लगाए सर। मेरे लिए तो 15% बहुत ही बड़ी बात होती है, 15%। अभी भी हाई पे है तो सर वही पूछना था, जैसे मतलब अभी क्या रेड कैंडल का इंतजार करूं या क्या, मतलब इसमें कुछ सर सेम चीज, प्रॉफिट और नमक स्वाद अनुसार होता है, अगर आप रिस्की ओके टेकर हैं तो 50% निकाल दीजिए और 50% जी जहां पे आपने सर, लिया था वहां पे लगा के छोड़ दीजिए। मुझे आप इसके हाँ वॉल्यूम्स देखिए, नीचे बने रहना चाहिए, नहीं इसको बोलूँ, बने रहना चाहिए, क्योंकि तो मुझे हाँ एकदम एक अच्छा, जी, तो कोई नेगेटिव ही नहीं लग रहा है क्योंकि 2 दिन जो आप सर्किट बोलते हो लगा ना, है इसमें, फर्स्ट दो दिन जीएसएलवी कैंडल की वॉल्यूम और जो करंट कैंडल है जिसने सर्किट लगाया है उसकी वॉल्यूम और भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। और ये देखिए सर एक और चीज, ये हायर हाई तोड़ दिया इसने, ये हाँ हायर हाई पे ही है वो तो। भी तोड़ दी, जी भी हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करेगा लेकिन फिर भाग जाए। थैंक यू सर, यू वेलकम सर। चलिए भाई क्लोज करते हैं आज के लिए, बम बम भोले, और हम लोग ओके सर, मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, वाह, बाय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू, चलिए थैंक बाय। यू।